ओके, आज का सेशन जो है बेसिक्स पे रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने ग्रुप में रिक्वेस्ट किया है, काफ़ी मैसेजेस भी आए थे मुझे कि बेसिक्स उनको जानना है कि एचआरएस के टूल्स, सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स कौन से हैं और इफेक्टिव टूल्स कौन से हैं और उसको अच्छे तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन चेन में जाते हैं। ये हमारा पुराना ऑप्शन चेन है या रेगुलर ऑप्शन चेन जो आप ऑप्शंस के यहाँ पे आता है, ये ऑप्शन बात। लेकिन आप इस पे शिफ्ट हो जाइए बीटा में, ऑप्शन चेन बीटा रहेगा या फिर ऑप्शन चेन बीटा मिनट बाय मिनट। पहले इसके बारे में बताता हूँ, फिर इसके बारे में बताऊँगा। ऑप्शन चेन बीटा में, तो ये हमारा लेटेस्ट ऑप्शन चेन है, इसमें काफ़ी बहुत सारे फीचर्स है और भी फीचर्स ऐड होने वाले हैं थोड़े, इसीलिए हमने अभी इसको यहाँ से यहाँ इसकी जगह मूव नहीं किया है अभी, तो अभी यहीं पे है क्योंकि इसमें और फीचर्स ऐड होने वाले। तो इसमें पूरा ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख सकता, ये जो एल करके लाख में दबाया है बताया है उसके बजाय पूरा दिख सकता है इसमें? हाँ, इसमें इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें ये कोई इसमें और एक आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो ये मैंने मेरे ख्याल से किसी और टूल में हमने किया था। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक बार दिखा। क्योंकि इंट्राडे में जब देखते हैं तो पूरा देखना पड़ता है। हाँ, तो इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है ऑप्शन। हाँ, ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन वहां पे आ जाएगा अभी, जैसे कि आप ये क्लिक करेंगे तो ही फिर आपको लैक्स में या क्रोर्स में दिखेगा, ये अगर आप निकाल देंगे तो पूरा दिखेगा। तो वैसा है, सेम ऑप्शन इसमें भी हम लोग ऐड कर देंगे, तो एट प्रेजेंट नहीं है, एट हाँ प्रेजेंट लैक्स में दिखेगा आपको, तो लैक्स और क्रोर्स में दिखेगा, तो वो ऑप्शन इसमें आ जाएगा। वैसे आपको उसमें ही अगर वैसे ही आपको रॉ पूरा का पूरा देखना है, तो फिर आप ये ऑप्शन पुराने वाले ऑप्शन चेन में जाइए, ये ऑप्शन आने तक इसमें आपको पूरा दिखेगा। ये तो बढ़िया है। हाँ, इसमें तो ये तो, हाँ, तो ये पूरा दिखेगा, तो ये अभी ऑप्शन। आंखें आंखें भी इसमें सेट हो गई अच्छा, ये पुराने इसमें वाले में। पूरा ठीक है, ठीक, हाँ वो ऑप्शन ऐड कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये अब ये इसमें लॉट्स क्वांटिटी वैल्यू है, तो आप नंबर ऑफ लॉट्स में देख सकते हैं या फिर क्वांटिटी में। क्वांटिटी मतलब लॉट्स, जितने भी लॉट्स ट्रेड हुए हैं या ओपन इंटरेस्ट जितना भी है वो, और मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर इसका लॉट्स का क्वांटिटी हो जाएगा। तो एक्चुअली डेटा फील्ड में तो क्वांटिटी ही आता है, हम लोग इसको लॉट्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखाते हैं, तो क्वांटिटी मतलब डायरेक्ट फीड में जैसा आता है वैसा दिखेगा यहाँ। और वैल्यू जो है, वैल्यू अगर आप वॉल्यूम देख रहे हैं तो इसे ये वैल्यू अगर क्लिक करेंगे तो ये वॉल्यूम जो रहेगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एलटीपी, जो भी एलटीपी रहेगा, पुट साइड पुट का एलटीपी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये दिखेगा। ओपन इंटरेस्ट, सॉरी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई वॉल्यूम के लिए एलटीपी मल्टीप्लाइड बाय वीवैप रहेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय ये आपको ये आएगा। ओआई के लिए एलटीपी यूज होगा, ओपन इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय एलटीपी आपको ओआई का वैल्यू आएगा। तो वैल्यू क्लिक करेंगे तो ऐसे दिखेगा। ओआई चेंज थोड़ा अलग होता है, ओआई चेंज ओपन इंटरेस्ट का जो वैल्यू है, ये 4.90 करोड़, ये कल के वैल्यू ओपन इंटरेस्ट से कंपेयर होता है, और ये इसका डिफरेंस कितना चेंज हुआ है वो यहाँ पे दिखता है। तो ऐसे ही ओपन ओआई चेंज मल्टीप्लाइड बाय एलटीपी नहीं होता है, तो ये ओआई का जो वैल्यू है वो वैल्यू माइनस कल का प्रीवियस ट्रेडिंग डे का वैल्यू, वो ये वैल्यू हो जाता है ओपन इंटरेस्ट चेंज। ये तो परसेंटेज है, परसेंटेज चेंज। तो ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से मेरे ख्याल से लॉट्स या क्वांटिटी पे ही जाइए, वैल्यू का एनालिसिस बहुत अलग होता है, तो क्वांटिटी या लॉट्स यूज करिए आप, वो बेटर रहेगा। इसमें पूरे दिन का जो है आपको ट्रेंड अगर पता करना है, तो यहाँ पे बिल्डअप ट्रेंड मैं एनेबल करता हूँ, टेम्पररीली मैं थोड़े टाइम के लिए ये हटा देता हूँ। इसमें भी ट्रेंड बिल्डअप
तो यहाँ पे पहले आपको बिल्डअप दिखता है दोनों साइड, और उस बिल्डअप का जो एनालिसिस होता है वो ट्रेंड, ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है ये बिल्डअप का एनालिसिस, इस तरफ भी इस तरफ भी। और ये सब इस तरफ बुलिश दिखा रहा है, ये लास्ट बेरिश है, और इस तरफ भी पूरा बुलिश है। तो कैसे, यहाँ पे कॉल साइड पे जो भी लॉन्ग बिल्डअप होगा, लॉन्ग बिल्डअप यानी कि एलटीपी का चेंज जो है पॉजिटिव है, और ओआई चेंज भी पॉजिटिव, यानी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और एलटीपी भी बढ़ा है, तो वो लॉन्ग बिल्डअप होता है। क्योंकि अगर कॉल का प्राइस भी बढ़ रहा है और पोजीशंस भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर खरीदेंगे तो ही फिर प्राइस बढ़ेगा, इसका खरीद बाइंग डिमांड होगा तो ही प्राइस बढ़ेगा, तो ये बुलिश हो जाता है। तो कॉल के साइड लॉन्ग बिल्डअप बुलिश होता है, तो इसका इंटरप्रिटेशन, तो यानी कि कॉल के साइड लॉन्ग बिल्डअप बुलिश, शॉर्ट कवरिंग भी बुलिश हो जाता है। शॉर्ट कवरिंग भी क्या है, अनवाइंडिंग है, और एलटीपी लास्ट जो प्राइस है वो भी एलटीपी का चेंज है, यानी कि आज प्राइस बढ़ा है और अनवाइंडिंग भी हुआ, अनवाइंडिंग भी बुलिश होता है कॉल के साइड, क्योंकि अनवाइंडिंग तभी होता है जबकि प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये जो स्ट्राइक्स होते हैं वो रिस्क में आ जाते हैं। अगर बहुत सारे जो शॉर्ट जिन्होंने शॉर्ट किया है यहाँ पे, तो वो उनको उनके पोजीशंस रिस्क में आ जाते हैं, क्योंकि प्राइस अगर इसके ऊपर बढ़ा है तो फिर लॉस में चले आता है, तो ये अनवाइंड कर देते हैं। अनवाइंडिंग मतलब पोजीशन क्लोज कर देते हैं, शॉर्ट कॉल पोजीशंस क्लोज हो जाते हैं, तो इसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। अनवाइंडिंग जब होता है कॉल के साइड तो ये शॉर्ट कवरिंग हो जाता है, तो ये भी बुलिश होता है। अगर प्राइस कम हुआ है, कॉल का प्राइस अगर कम हुआ है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो वो शॉर्ट बिल्डअप हो गया, यानी कि डिमांड सेलिंग के साइड है, यानी कि कॉल शॉर्ट हो रहे हैं इसीलिए प्राइस इसका घट रहा है, तो वो बेरिश हो जाता है, तो इसको बेरिश मार्क कर देते हैं, तो शॉर्ट बिल्डअप है और ये बेरिश हो जाता है। उस पुट साइड सेम ऑपोजिट होता है, सब शॉर्ट बिल्डअप जो होता है, शॉर्ट बिल्डअप मतलब प्राइस इसका गिर रहा है, पुट का प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो पुट का प्राइस अगर गिर रहा है तो यानी कि पुट सेल हो रहा है, तो पुट सेल तभी होता है जब जिनको जब बुलिश मार्केट बुलिश हो और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो फिर पुट्स जो शॉर्ट करते हैं वो प्रॉफिट में आते हैं, तो इसीलिए वो बुलिश होता है, तो इसीलिए इसको ये शॉर्ट बिल्डअप है, यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन बुलिश है। तो अब ये आप देखेंगे एट द मनी, ये जो येलो मार्किंग है, ये पूरा जो लाइन है, जो येलो में जो मार्क होता है वो एट द मनी स्ट्राइक होता है, ये वाला, ये फेयर प्राइस से मार्क होता है। फेयर प्राइस मतलब सिंथेटिक फ्यूचर्स प्राइस होता है, हमारे पास स्पॉट प्राइस नहीं है, तो हम लोग सिंथेटिक फ्यूचर्स प्राइस होता है जो बहुत एक्यूरेट होता है एट द मनी स्ट्राइक मार्क करने के लिए। और ये कैसे डिसाइड होता है, ये जो कॉल साइड पुट साइड एलटीपी आप ऐड करेंगे, तो सबसे कम टोटल यानी कि स्ट्रैडल का प्राइस, कौन से स्ट्रैडल का प्राइस सबसे कम होता है वो एट द मनी होता है, तो ये वाला 367 326 एलटीपी जो है सबसे कम है, तो इसका ये सिंथेटिक फ्यूचर्स प्राइस हो गया, और एट द मनी स्ट्राइक ये हो गया एट द मनी, तो सबसे कम स्ट्रैडल प्राइस जहाँ पे है वो एट द मनी हो गया। तो एट द मनी के जो आसपास के एक दो तीन स्ट्राइक्स होते हैं वो अगर बुलिश हो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ, तो मार्केट बुलिश है, तो मार्केट जनरली बुलिश है। अगर ये आपको एक साइड बेरिश दिख रहा है, एक साइड बुलिश दिख रहा है, तो मार्केट साइडवेज है, दोनों साइड बेरिश हो तो मार्केट बेरिश है। लेकिन ये क्या है, पूरे दिन का जो ओआई चेंज होता है उसके हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट चेंज ओआई चेंज के हिसाब से ये कैलकुलेट होता है, ओआई चेंज और एलटीपी चेंज, तो ये दोनों के बेसिस पे होता है, तो ये पूरे दिन का होता है, क्योंकि प्रीवियस, जैसे मैंने कहा था कि ओआई चेंज जो है प्रीवियस डे से कैलकुलेट होता है, ओआई करंट ओआई माइनस पिछले दिन का ओआई जो, तो वो ओआई चेंज होता है, तो ये पूरे दिन का होता है। तो आप जैसे सुबह सुबह आपको फटाफट इंडिकेशन इसमें दिख जाएगा, लेकिन जैसे टाइम जाता है दोपहर में अगर ट्रेंड चेंज हो गया, तो ये आपको उतना इजिली तभी फास्ट नहीं दिखाएगा, फास्ट सिग्नल नहीं दिखाएगा, तब आपको दूसरे टूल्स यूज करने पड़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन आपको
झट से अगर देखना है कि पूरे दिन का क्या चल रहा है, कि आज के दिन मार्केट बुलिश है बेरिश है, तो आप ये अगर ये ट्रेंड वाला जो इंटरप्रिटेशन ये जो है यहाँ पे देखेंगे, या फिर इसका कलर देखेंगे, दोनों साइड अगर एट द मनी के आसपास जो आपको ग्रीन दिख रहा है दोनों के साइड, तो वो मार्केट बुलिश होगा। तो आप कौन से भी दिन देखिए वैसे ही रहेगा। मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, देख एक बेरिश का दिन डे ले लेते हैं, ये वाला 6 अगस्त का लेते हैं, 6 अगस्त हिस्टोरिकल। छह अगस्त का ले रहा हूं, बेरिश था पूरा दिन। तो ये आपको लास्ट में जो है, लास्ट में ये दिखा रहा है कि यहाँ पे तो बेरिश क्लियरली दिखा रहा है, यहाँ पे बुलिश हुआ है, तो क्लियर नहीं है। 6 तारीख के एंडिंग पे, 6th के एंडिंग पे यहाँ पे आपको एक्चुअली ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ पे आप क्लियर नहीं। तो एंडिंग पे अगर आप दिन में अगर देखते हैं, तो अगर आप इसमें जाके देखेंगे, एक मिनट बाय मिनट में जाके देखेंगे, बैंक निफ्टी ये भी सेम है, लेकिन आप ये दिन में पूरा ऑप्शन चेन आप देख सकेंगे इसमें। ये इंट्राडे क्लिक कीजिए, इस टूल में आइए, इंट्राडे क्लिक कीजिए, हिस्टोरिकल जाता हूँ मैं, 6 तारीख का देखना है मुझे, 7 अगस्त की एक्सपायरी और 6 तारीख का ऑप्शन चेन। बाय डिफॉल्ट आपको इंट्राडे जाता हूँ मैं, लास्ट का दिखाएगा ये दिन के स्टार्टिंग का, आपको 9:16 का देखना है। दिन के स्टार्टिंग आप बुलिश था, मैं आप थोड़ा 11:15 जाता हूँ, यहाँ पे साइडवेज चला गया, साइडवेज पूरा दिन साइडवेज दिखा रहा है एक्चुअली स्ट्रेट। ये इश्यू होता है इसमें, ये एक्चुअली साइडवेज दिखा रहा है लेकिन इंट्राडे में बेरिश हो गया। तो मैं अब दूसरे टूल्स पे जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो पकड़ना है। एक मिनट, इस दिन का है 6 अगस्त का, सॉरी 1 मिनट, 6th, मैं आपको दूसरे टूल्स में लेके जाऊंगा, तो ये और वहां पे ट्रेंड, इंट्राडे ट्रेंड वहां पे दिखाऊंगा। लेकिन ये पहले, ये भी एक जो ऑप्शन चेन का टूल है, तो ये जो है बीटा है और ये जो है मिनट बाय मिनट है। आप मिनट बाय मिनट आपको अगर देखना है दिन में कैसा ट्रेंड चेंज हुआ है, या आपको क्या प्राइसेस थे, क्या ग्रीक्स थे, आपको अगर देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे आप इंट्राडे क्लिक कर लीजिए, दिन के स्टार्टिंग में जाना है तो स्टार्ट बटन क्लिक कर लीजिए, 9:16 को चला जाएगा, जो पहला टिक आएगा हमारा पहला मिनट। एवरी मिनट अपडेट होता है, 1 मिनट अराउंड 25 सेकेंड्स लगेगा, एवरी 1 मिनट 25 सेकेंड्स डेटा अपडेट होगा इसमें। यहाँ पे आप 5 5 मिनट आगे जा सकते हैं, 10 15 मिनट, और या फिर पूरे मार्केट के एंड का भी आप जा सकते हैं। और फिर शाम में भाव कॉपी ऐड होने के बाद ईओडी डेटा अवेलेबल रहेगा, तो ईओडी क्लिक करेंगे तो भाव कॉपी डेटा तक वो अपडेट भी मिल जाएगा, लेकिन इंट्राडे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाला 3:30 तक आएगा। तो 3:30 लास्ट मार्केट कब एंड हुआ वो आपको यहाँ पे पूरा पूरे प्राइसेस आ जाएंगे। अब इसमें और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आप अगर नियर एटीएम 5 7 ऐसे कुछ देख रहे हैं, तो ये भी आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये भी इंट्राडे, ये इंट्राडे डेटा है, ये इंट्राडे डेटा है, तो ये भी आपको इसमें आइडिया आएगा। ये इन द मनी वाला छोड़ दीजिए, ये वाला नहीं, और ओआई वाला नहीं, ये जो ओआई चेंज का जो आपको जो कलर यहाँ पे शेडिंग दिख रहा है, ये पूरा जो डेटा है इंट्राडे का है, क्योंकि ओआई चेंज है, तो ये इसमें आपको इंडिकेशन आएगा, इसमें भी आपको इंडिकेशन आएगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ये तो आपको पता चेंज चलेगा ही। लेकिन इन अभी वाई जो दिख रहा है हाँ, चेंज वाई चेंज वाई चेंज वाई वो चेंज वाई मिनट चेंज बाय कौन मिनट का डिफरेंस होगा फिर सा? नहीं, ये तो पूरे दिन का है, ये वाला, नहीं, वो इंट्राडे में जो दिखा रहे हैं, हाँ ये वाला इसमें इंट्राडे नहीं, में ओआई जो दिख रहा है। ये भी अगर आप ये इसको अगर आप 10:15 देख रहे हैं, तो कल मार्केट क्लोज से 10:15 तक क्या हुआ है वो दिखाएगा। नहीं, वो टेबल में ऊपर ऑप्शन चेक टेबल में भी बस वही है कि कल मार्केट क्लोज से आज 10:15 बजे तक
क्या हुआ है, कितना हुआ है, चेंज हुआ है, वो दिखाया है। और ओआई, ये अंडर बेटा ही दिखेगा ना, तो हाँ सॉरी, ये अंडर बेटा ओआई में, जो, हाँ ये ओनली, ये अंडर बेटा ही है, ये दोनों देख रहे हैं। बट वो बेटा खाली जो है उसमें ये इंट्राडे नहीं है, मतलब समझा नहीं, इंट्राडे ये जो मतलब, बेटा के अंडर में आपने बताया ना हाँ उसमें कौन सी हमको निकालना है, सॉरी मिनट समझा बाय मिनट वाला नहीं, या मिनट बाय उसका मिनट बड़ा, लिखा हुआ है ना, मिनट बाय मिनट लिखा ये हुआ है वाला कोई। मिनट बाय, ये मिनट बाय मिनट है। आपको अगर पूरे दिन में आगे पीछे जाके देखना है तो ये वाला सेलेक्ट कीजिए, मिनट बाय मिनट। उसमें खाली इंट्राडे आएगा ना, मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं, सब आएगा, सब सेम है सर, इसमें सिर्फ मिनट बाय मिनट आप नहीं देख सकेंगे, अच्छा सिर्फ लास्ट लास्ट एंडिंग का देख सकेंगे, ये पूरा सीधा एंड ऑफ डे ही आता है इसमें। अभी ये लेटेस्ट आप देख रहे हैं कल का, ये कल का एंड ऑफ डे का है ये, यानी कि भाव को अभी अपडेट होने के बाद जो प्राइसेस है वो प्राइसेस है। आपको दिन में आप अगर 10:30 बजे देखेंगे तो 10:30 के टाइम का ही दिखेगा आप। इसमें क्या है कि आप यहाँ पे इंट्राडे करेंगे, यहाँ पे आप इंट्राडे क्लिक करेंगे और एंड पे जाएंगे तो 3:30 बजे तक का दिखेगा। आप ईओडी क्लिक करेंगे तो ही फिर ये आपको ईओडी वाला दिखाएगा, यहाँ पे ईओडी दिखाएगा। तो यानी कि ये अब ये और ये सेम हो जाएगा, ये और ये मिनट बाय मिनट सेम हो जाएगा। लेकिन आपको दिन में बीच में क्या हुआ है वो देखना है, तो इंट्राडे बटन क्लिक कीजिए और फिर टाइम चेंज कीजिए, स्टार्ट में जाइए या फिर जो भी है, जो भी 10:15 जाना है वो देख लीजिए। तो 10:15 बजे देखिए, यहाँ भी आपको दिखेगा कि नहीं, सवा दस करंट बजे करंट लाइव में बताएगा ना, लेकिन हाँ, लाइव में भी बताएगा, लाइव में बताएगा। और नीचे जो आपने बोला टोटल वाला जो है वो अपना ट्रेंड बताएगा। हाँ ट्रेंड बताएगा, तो ये अभी ये बता रहा है कि 10:15 के टाइम क्या था, यहाँ पे 10:15 बजे कल फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, ये ग्रीन पूरा ग्रीन है तो बुलिश था। मतलब बुलिश है। हाँ फुल बुलिश है, पूरा ओके, बुलिश, राइट। तो ये जो है बीटा, इसमें जो ओआई दिखा रहा है, हाँ ओआई जो दिखा रहा है वो तो टोटल ओआई होगा ना। वो तो टोटल 10:30 बजे जो भी ओआई था वो दिखाएगा। ओके ठीक है। हाँ वो तो सेम रहेगा, सिर्फ ओआई चेंज अलग रहेगा बस, ओआई चेंज 10:15 बजे क्या था, कल मार्केट क्लोज से अब तक कितना चेंज हुआ है वो दिखाएगा। सर एक क्वेश्चन था, पिछले हाँ सेशन में आपने बताया था कि टोटल ओआई चेंज है वो अगर ग्रीन है, एक एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल लेंगे। स्टॉक्स के लिए बहुत मुश्किल है सर, मैंने ये बताया भी था, स्टॉक्स के लिए मुश्किल होता है। स्टॉक्स के लिए क्या होता है कि मोस्टली आपको बेरिश दिखाएगा, बुलिश भी होगा तो ये कई बार आपको बेरिश दिखाएगा, स्पेशली जो स्टॉक्स बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं उसमें कॉल शॉर्ट बहुत होता है, हेज बहुत करते हैं लोग, ओके तो इंडेक्स में ये आपको बहुत अच्छा दिखाएगा, ये बराबर दिखाएगा मोस्टली। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में क्या होता है कि कॉल शॉर्टिंग बहुत हेजिंग के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टॉक में देखा है तो टोटल ओआई चेंज है वो नेगेटिव में है, हाँ नेगेटिव होता और है, टोटल अगर बुलिश है उसमें 100% वो है, बीरेस में जीरो है। होता है सर, बहुत बार बहुत अलग होता है उसका एनालिसिस, थोड़ा अलग करना पड़ता है तो स्टॉक्स का। स्टॉक अगर बुलिश है या बीरिश है तो अगर ये ऑप्शन चेन को देख के क्या क्या देखें कि वो फाइंड आउट है कि हम ये एज्यूम कर सके बुलिश है या बीरिश है। ये एक तो इन द मनी ओआई चेंज जो होता है ना, इन द मनी वो ओआई अगर चेंज जो ग्रीन है होता है, हाँ वो जनरली क्या है कि वो जो इन द मनी, क्योंकि इन द मनी होता है वो जनरली अगर जो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो वो लोग लेते हैं। तो इसमें जो जन जो आपको दिख रहा है, अगर ये पॉजिटिव हो तो फिर ये बुलिश रहेगा। ओके okay। इन द मनी का बहुत थोड़ा स्टॉक्स के लिए रिलायबल रहेगा, क्योंकि इसमें ये पोजिशनल होता है, क्योंकि ये अगर ये होल्ड करना है किसी को तो अगर ये शॉर्ट है तो फिर ये प्रॉब्लम होगा ये होल्ड करने से, क्योंकि पोजिशनल है और ये रिस्क में, बहुत रिस्क में है, तो ये बुलिश दिखा रहा है तो ये जनरली बुलिश हो जाता है। लेकिन ये जो इंट्राडे ओआई चेंज है वो डिपेंड करता है, वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो इसके लिए ये भी कभी कभी चल जाता है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा इंट्राडे वाला थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि शॉर्टिंग बहुत हो जाता है इसमें, इंट्राडे भी शॉर्ट डाटा आप करके। में, डाटा आपकी स्क्रीन में अलग दिखा रहा है और मेरे आई चार्ट में अलग दिखा रहा है, ऐसा क्यों? कौन सा आप स्ट्राइक्स चेक कीजिए एक बार, और ये आप मैंने कितने स्ट्राइक पर 5 ही डाला है और कितने लेटेस्ट डाला है, 10-16 टाइम किया है और बाप रे, इंट्राडे सेलेक्ट है।
एचडीएफसी तो मेरा बैंक 29 अगस्त हुई है। टोटल आईटीएम ओआई है वो माइनस अच्छा, 5.96 करोड़ है। अच्छा वो ये बटन कौन सा सेलेक्टेड है? हाँ, नॉट वाला, वैल्यू वाला। लॉस। हाँ, वैल्यू तो फिर वो अलग सर रहेगा, एक छोटा सा सजेशन वैल्यू है, अलग है। हाँ, यू प्लीज ओके लेट द ओके, कॉन्सेप्ट गोल हैव अ आई मीन लास्ट डाउट क्लियरिंग सेशन, बिकॉज वी श्योर, मे नॉट एंड अप नो वेयर हियर। फाइन फाइन, ओके। तो हाँ थैंक यू। आगे आगे चलते हैं फिर। ये मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, तो उसके बाद में क्वेश्चंस लेंगे। तो एक दो तीन टूल्स होने दीजिए, क्योंकि ये पूरे लिंक्ड है, ये क्योंकि ट्रेंड का बात कर रहा हूँ मैं, तो आगे जाते। तो ये मैं, ये टूल यहाँ से वाई ऑप्शन वाई स्टैट्स बीटा में जा रहा हूँ। यहाँ भी वाई स्टैट्स है, लेकिन इसका काफी एडवांस्ड वर्जन है जो यहाँ पे है, ऑप्शन वाई स्टैट्स। इसको शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ पे चले जाइए। अब इसमें भी ये जो है नीचे वाला जो है, यहाँ पे आपको ट्रेंड बहुत ज्यादा फास्ट आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। और इसमें ऐसा करना है आपको कि लास्ट 30 मिनट्स, ये जो आप 30 का बटन क्लिक करेंगे, और ये इंट्राडे सेलेक्टेड रहेगा, ऑटो अपडेट रेंज रहेगा, तो ये 30 जब सेलेक्ट करेंगे, लास्ट 30, ट्रेलिंग 30 मिनट्स, यानी कि लेटेस्ट 30 मिनट्स में क्या हो रहा है, वो ओआई चेंज के चार्ट्स में दिखेगा। ये ऊपर के चार्ट्स में नहीं, ऊपर का तो हमेशा टोटल ही दिखाएगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट है। तो सर ये कहाँ पे भी, सेक्शन एक बार बताएंगे, सर सॉरी, एक बार दोबारा बताएंगे कहाँ पे था सेक्शन आप गए ये चीज के लिए स्टैट के लिए। सर ये वाला है बीटा के अंदर, वॉइस स्टैट्स बीटा। ठीक सर ठीक थैंक यू। ओके, तो ये 30 30 मिनट सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि लास्ट 30 मिनट्स का डेटा आपको ओआई चेंज के चार्ट्स में दिखेगा। ये नीचे के दो चार्ट्स है उसमें दिखाएगा। और ये मैं अभी ये निकाल देता हूँ, कि मुझे पीछे जाके देखना। आप और ये लाइव देखने के टाइम ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ऑटो अपडेट, तो फिर आगे आगे ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा, और लेटेस्ट 30 मिनट्स आपको दिखाता ही जाएगा, दिखाता जाएगा। लेकिन आपको एनालिसिस अगर करना है तो ये निकाल दीजिए, तो फिर आप ये इसको मूव कर सकेंगे, इसको ये आपको ऐसे ऐसे मूव कर सकेंगे। तो ये आपको अगर 30 मिनट्स ही आपको देखना है, 30, यानी कि हाँ, ये 30 मिनट्स। तो अब ये आप 9:48 को आप देख रहे हैं कि 30 मिनट्स, लास्ट 30 मिनट्स में क्या हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। यानी कि यहाँ पे पुट साइड का ज्यादा है, बहुत बिल्डअप है, तो यानी कि ये बुलिश है, तो यानी कि मार्केट एट प्रेजेंट बुलिश है। तो ये थोड़ा आपको थोड़ा स्लाइटली फास्टर रहेगा इसमें, क्योंकि ये वाला वाई चेंज जो है सुबह का है, मार्केट ओपन होने के बाद ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ है वो आपको दिखाएगा आपको। तो ये जो है यहाँ पे बिल्डअप बहुत ज्यादा आपको पुट्स के साइड है, कॉल के साइड बिल्डअप हुआ था और फिर थोड़ा सा अनवाइंडिंग हुआ है, यानी कि बुलिश। कॉल साइड अनवाइंडिंग हुआ तो बुलिश है, क्योंकि कॉल के साइड, जो कॉल के शॉर्ट जो होते हैं वो निकल जाते हैं, तो कॉल साइड अनवाइंडिंग होता है मार्केट अगर ऊपर जा रहा है। तो पुट साइड बिल्डअप के साथ साथ कॉल साइड थोड़ा अनवाइंडिंग भी हुआ है, या फिर कम हो, इस बिल्डअप से कॉल साइड का बिल्डअप कम हो, तो फिर ये बुलिश हो जाता। तो आप और आगे भी अगर देखेंगे, अराउंड 11 बजे, यहाँ पे 10:30, यहाँ पे स्विच हो गया है, बीच में कभी स्विच हुआ। ये आप अगर ऑटो अपडेट रेंज एनेबल रखेंगे, तो दिन में जैसे डेटा अपडेट होते जाएगा, वैसे ही आपको ये ऑटोमेटिकली अपडेट करके दिखाएगी, ये पूरा जो है ये ऐसे मूव होता जाएगा, ये ऑटोमेटिकली मूव होता जाएगा, और ये अपडेट होता जाएगा, और ये आपको चार्ट चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो बिल्डअप होता है, यानी कि ये श्रीकांत बिल्डअप, जी हाँ बोल रहा हूँ, हाँ इसमें मान लो कि मेरे को 9:15 में देख 9:30 को मैंने देखा, हाँ अब मुझे चेंज जो देख रहे हैं वो 9:45 को देख रहा है, उसके बाद मुझे 10 बजे देख रहा है, तो उसको ये आपको मैन्युअली करना देखना पड़ेगा। देखना नहीं है। मैंने कहा था ना आपको, ये ऑटो वाला बटन क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आगे आगे जाता रहेगा। हर हर एक एवरी 3 मिनट जब वो आई अपडेट होगा, वो आगे जाएगा, एवरी मिनट जाएगा एक्चुअली, या जब भी इसमें डेटा अपडेट होगा तब वो आगे जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप इसको अच्छा सिर्फ तो मॉनिटर फिर कीजिए बस। अच्छा ठीक है। तो हर एक 3 मिनट में, अभी अभी है 11, अभी यहाँ से 11, 3 बजे नेक्स्ट अपडेट आया,
तो ये ऐसे ऐसे मूव हो गए, ऑटोमेटिकली मूव। बस ये आपको ये देखना है कि कौन सा ज्यादा है, यानी कि कॉल के साइड ज्यादा है तो बेरिश है। और ये सिर्फ ये सिर्फ सेंटिमेंट है, ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है ये पूरा मार्केट में कैसे पोजीशंस चेंज हो रहे हैं वो दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपको बेरिश दिख गया आप जाके सीधा शॉर्ट कर दें, ऐसे ऐसा होता नहीं है। तो आपको ये सिर्फ सेंटिमेंट आपको दिख रहा है कि पोजीशंस पूरे बेरिश साइड पे ज्यादा है, और तो उसके बाद आप जाके प्राइस चार्ट चेक कीजिए, प्राइस चेक कीजिए, फिर उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। आपको अगर लो रिस्क एंट्री मिल रहा है, पास में कहीं स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो फिर आप शॉर्ट जा सकते हैं और फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो प्राइस चार्ट हमें हमेशा बाद में देख के आपको डिसाइड करना है, लेकिन ये सेंटिमेंट आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो सेंटिमेंट किस तरफ है वो दिखाएगा। सुबह में बुलिश था, यहाँ पे बेरिश हो चुका है, तो आगे जाके शायद और फिर से बुलिश हो जाएगा, या जो भी है यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे फ्लिप हो गया, यहाँ पे बुलिश हो गया। तो ये आपको ये चेंज जित फास्ट जैसे ट्रेंड चेंज होता है वैसे दिखाएगा मार्केट में, जैसे पोजीशन चेंज हो रहे हैं तो वैसे आपको दिखेगा। आप अगर आप थोड़ा और स्लाइट लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, यानी कि आप 1-2 घंटे या 3 घंटे के ट्रेड्स लेते हैं, तो आप ये 30 मिनट की जगह 60 मिनट्स भी कर सकते हैं इसको, तो यानी कि 1 आवर का देख सकते हैं। तो 1 आवर का ये आपको ये ऐसे दिखाएगा, 1 आवर का ये। तो ट्रेंड थोड़ा लॉन्गर ट्रेंड्स आपको मिलेंगे, लंबे ट्रेंड्स मिलेंगे। तो 30 मिनट्स आपको फास्ट अगर चाहिए तो फिर आप 30 मिनट्स सेलेक्ट कर लीजिए और ये ऑटो तो क्लिक कर दीजिए, 30 30 मिनट्स का दिखाते जाएगा। तो आपको कितना कितना बड़ा ट्रेंड आपको पकड़ना है उसके हिसाब से आप ये 30 या 60 मिनट 15 मिनट्स लगा सकते हैं। तो ये याद लगा लीजिए, 30 मिनट सेलेक्ट करना है या ऑटो अपडेट सेलेक्ट करना है, और इंट्राडे सेलेक्टेड होना चाहिए। ये तीन, 30 ऑटो अपडेट और इंट्राडे। ऑटो अपडेट करने से ही फिर ऑटोमेटिकली ये अपडेट होके ये ऐसे मूव, तो अब मार्केट के एंडिंग पे ये ऐसे दिखाएगा, ये 30 मिनट्स दिखाएगा, क्योंकि ये 30 मिनट सेलेक्ट। तो ऐसा है, तो इसमें इसमें भी आप लॉट्स या क्वांटिटी सेलेक्ट कीजिए, वैल्यू का बहुत अलग होता है, उसका बहुत बड़ा डिस्कशन लगेगा उसमें। एट प्रेजेंट तो इसमें नहीं जाएंगे, लॉट्स या क्वांटिटी में देख लीजिए, सेम हो जाता है, सेम। और भी ये अगर इधर लॉट्स सिलेक्ट किया तो उधर भी लॉट्स सिलेक्ट करके देखे तो ज्यादा सही रहेगा सॉरी सर। यहाँ पर अगर लॉट सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऑप्शन चेन में भी लॉट से सिलेक्ट करें तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा हमारा। हाँ, लॉट्स या क्वांटिटी आप दोनों सेम होता है, आपको डिस्प्ले एकदम सेम डेटा दिखेगा आप, तो लॉट्स या और क्वांटिटी दोनों, लेकिन सेम रख लीजिए तो कन्फ्यूजन कम होगा। वहां पे लॉट्स है, यहाँ भी लॉट्स है, लॉट्स या क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगा सब कुछ, क्योंकि सिर्फ लॉट साइज से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू और बहुत इसकी अलग हो जाती टीओडी है। देखना हो तो सॉरी ये टीओडी देखना है मुझे, जैसे कि अब आज पर मार्केट क्लोज हो गया है तो हाँ, तो ये ये ईओडी क्लिक कर दीजिए आप, ईओडी लास्ट में भाव कॉपी आने के बाद क्या हुआ है, और ये तो पिछले जैसे दिन वहां पर सुपर बुलिश दिख रहा है, यहाँ पर तो सुपर बुलिश नहीं दिख रहा है ना। क्या नहीं दिख रहा है, सॉरी। वहां पर हमको ऑप्शन चेन सब कुछ बुलिश दिखा रही थी। हाँ, ईओडी यहाँ पे बुलिश है ना, ईओडी ईओडी बुलिश है पूरा, यहाँ ओके पुट सर, के साइड ठीक ज्यादा है। है ठीक है। और एक भी है, एक अलग, यहाँ पे आप नियर एटीएम जितना सेलेक्ट करते हैं उतना ही दिखाएगा, तो ऑप्शन चेन में अगर वो सेलेक्ट करेंगे तो वैसे ही सेलेक्ट कर लीजिए तो सेम दिखेगा, नहीं तो फिर श्रीकांत थोड़ा अलग। जी, अच्छा आपका इसमें कलर कोडिंग उल्टा है, इसलिए हाँ, लोग उल्टा समझते। अच्छा मैं चेंज कर दूं फिर आप बेटर रहेगा। हाँ 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 1 मिनट, यहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है प्रोफाइल माय अकाउंट में जाइए, यहाँ पे चेंज कर लीजिए तो चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो ऑप्शन चेन का जो ऑप्शन चेन का वाई चेन जो है, हमेशा पिछले दिन के वाई चेन से कंपेयर होगा, ये मैच नहीं होगा। ये वाला इंट्राडे है, ये ऑप्शन वाई स्टैट्स जो होता है एकदम इंट्राडे एनालिसिस के लिए, तो ये वाई चेंज जो रहेगा सुबह 9:18 को जो पहला टिक आता है, पहला टिक जब आएगा वहां से कंपेयर होता है, 9:18 से अब तक क्या हुआ है। अगर आप 10 बजे देख रहे हैं तो 9:18 से 10 बजे तक क्या हुआ है वो आपको दिखाएगा, ऑप्शन चेन में वो आपको नहीं दिखाएगा।
ऑप्शन चेन में पिछले दिन से ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ है अब तक वो दिखाएगा 10 बजे। इसमें इंट्राडे का दिखाएगा 9:18 to 10 o'clock कितना चेंज हुआ है वो दिखाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के, ऑप्शन चेन से ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए कि इंट्राडे। हाँ सर जी आपका मेरे चार्ट में इंट्राडे हुआई चेंज और इंट्राडे हुआई चेंज जो आपके बॉटम में आ रहा है वो नहीं आ रहा है। आप शायद ओआई स्टैट्स में है, ओआई हाँ स्टैट्स में है मैं नहीं, मैं इधर बीटा से ही आया हूँ। बीटा में तो रहेगा ना, नीचे स्क्रॉल कीजिए, रहना चाहिए। नहीं आ रहा है। ओके ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक, तो ओके आ गया। आ गया ना। हाँ जी ठीक श्रीकांत है, जी, ये आपने ऑप्शन चेन में जो आपने खोला था वो सर वहां पे एक बार दिखाएंगे कहाँ पे पुराना जाके वाला आपने। हाँ सर, ये वाला ये वाला जो भी आप ऊपर आपके टाइम में। एक लास्ट में करेंगे वो, क्योंकि यार दो तीन टूल्स कवर कर लेता हूँ, उसके बाद डिटेल में बिल्कुल बात सर, सॉरी करेंगे कुछ सर। कुछ। ओके ओके तो ये क्लियर हो गया आपको। और एक ये पूरे ट्रेंड वाले मैं दिखा रहा हूँ आपको, और एक दो टूल्स दिखाऊंगा, फिर क्वेश्चंस ले लेंगे। तो ये यहाँ पे ट्रेंड कैसा देखना है, समझ गए मैं, आ गया ना। और ये ट्रेंड मतलब इसके ट्रेंड सेंटिमेंट है, ये एक्चुअली सेंटिमेंट होता है, ये ट्रेंड नहीं बताऊ बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि फिर ट्रेंड तो आपको फाइनली प्राइस पे ही दिखेगा, वो इसमें नहीं दिखेगा। ये तो सेंटिमेंट, यानी कि मार्केट में कौन से पोजीशंस कहाँ पे है वो आपको यहाँ पे दिखेगा ये पूरा। तो यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पुट साइड में बहुत सारे पोजीशंस है, तो यानी कि बुलिश है, और कॉल साइड में थोड़ा बिल्डअप हुआ था लेकिन फिर यहाँ से अनवाइंडिंग हो गया। ये सब यहाँ से बिल्डअप हुआ हुआ यहाँ तक गया और फिर यहाँ से अनवाइंडिंग हो गया, यहाँ ये अनवाइंडिंग दिखा रहा है, और कॉल साइड का अनवाइंडिंग हमेशा बुलिश होता है। तो ये आपको दिखा रहा है, इससे ये दो तीन चीज पता चलते हैं इससे। तो ऐसा, अब नेक्स्ट और एक टूल में जाता हूं, प्रीमियम डीके। इसमें भी आपको, इसमें आपको थोड़ा ट्रेंड के बारे में, एक्चुअल प्राइस ट्रेंड्स जो होते हैं, प्राइस ट्रेंड्स के बारे में आपको इसमें पता चलेगा। क्योंकि ये जो आप यहाँ पे, ये जो ऑप्शन के प्रीमियम्स जो है वो कैसे चेंज हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। मार्केट ओपन से ऑप्शन के प्रीमियम्स कैसे चेंज हुए वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, और कौन से प्रीमियम्स जो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, वो प्रीमियम्स सेलेक्टेड स्ट्राइक्स, नियर एटीएम सेलेक्ट कर सकेंगे। नियर एटीएम फिक्स्ड मतलब ये जो है सेंटर वाला स्ट्राइक फिक्स है, और उसके आजू बाजू के 5 स्ट्राइक्स, पूरे मिला के 5 स्ट्राइक, एट द मनी और आजू बाजू के मिला के 5 स्ट्राइक्स। तो जो भी आप एट द मनी जो फिक्स करेंगे, मैं ये सजेस्ट करता हूँ, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि सुबह में मार्केट का एटीएम स्ट्राइक जो था वो सेंटर स्ट्राइक लगा दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, जब तक मार्केट बहुत ज्यादा मूव नहीं होता है दिन में, ये चेंज ही मत कीजिए। तो ये मैं एक बार देख लेता हूँ, ये प्राइस चेंज निकाल देता हूँ। तो ये जो प्राइस का लाइन है ये ब्राउन वाला, वो नॉर्मल प्राइस हो जाएगा। अब ये नॉर्मल प्राइस लाइन है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कितने कहाँ पे ओपन हुआ था, ये 24342 पे ओपन हुआ था। तो 24.3 सेंटर स्ट्राइक लगा सकते हैं। तो इसको वापस, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, अब ये प्राइस चेंज दिखा रहा है फिर से। तो ये सेंटर स्ट्राइक लगा दिया है मैंने, जो सुबह में मार्केट ओपन होने के बाद सेंटर एट द मनी स्ट्राइक। तो अब ये पूरा यहां से इन 5 स्ट्राइक्स के लिए आपको दिन में प्रीमियम्स कैसे चेंज हुए हैं, ये ग्रीन कॉल के साइड के, रेड पुट के साइड के। तो सुबह सुबह मार्केट ऊपर, शायद ऊपर गया था, तो इसीलिए ये बुलिश सीधा ऊपर गया है पूरा। कॉल के प्रीमियम्स इन 5 स्ट्राइक्स के प्रीमियम्स टोटल मिला के ये ऊपर, और थोड़ा ये डायरेक्ट बराबर एग्जैक्ट टोटल नहीं रहेगा, इसमें हम लोग थोड़ा वॉलेटिलिटी का एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो थोड़ा स्मूथली दिखाता है ये, वरना बहुत इसमें ऊपर नीचे हो जाता है, तो वॉलेटिलिटी के एडजस्टमेंट्स भी थोड़े होते हैं। लेकिन मार्केट 916 से अब यहाँ तक, 915 से, सॉरी 916 से 917 तक, ये पहला जो टिक है 917 का दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा चार्ट जो है चेंज का है, यानी कि 1 मिनट चेंज जब कब होता है, 917 को 1 मिनट चेंज होता है, 916 to 916 को हमारा पहला मिलता है टिक, 1 मिनट डिले, 917 को पहला चेंज मिले प्राइस का चेंज। तो कॉल का प्राइस चेंज यहाँ पे और पुट का प्राइस यहाँ पे चालू, और ये सिंथेटिक, ये फेयर प्राइस का चेंज। आप शायद, आपको आपको फ्यूचर्स प्राइस देखना हो तो फ्यूचर्स भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने फेयर प्राइस लगाया क्योंकि मैं ये प्रेफर करता हूँ।
तो इसका चेंज फेयर प्राइस का चेंज, यानी कि ये स्पॉट प्राइस के जैसा मान सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे रहेगा। और ये कॉल कॉल के 5 स्ट्राइक्स का चेंज, और ये पुट के 5 स्ट्राइक्स का चेंज यहाँ, यानी कि यहाँ पे ये पुट का नेगेटिव है क्योंकि मार्केट ऊपर गया है तो पुट्स कम हो जाएंगे, कॉल्स बढ़ेंगे, तो इसीलिए कॉल का चेंज बढ़ गया है। तो 5 स्ट्राइक मिला के 42 पॉइंट्स ऊपर गए हैं, ये 5 स्ट्राइक्स 42 पॉइंट्स ऊपर गए हैं 1 मिनट। अभी उसके बाद 9 9 16 बेस रहेगा, वहां से कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे 9 28 9 30 को सुबह से कितना चेंज हुआ है, कॉल्स चेंज हुए हैं 200 पॉइंट सुबह से, वो दिखा रहा है। पुट्स कम हुए हैं 155 पॉइंट्स इन 5 स्ट्राइक्स के लिए सुबह से, तो ये दिखा रहा है। तो अब 0 के ऊपर जो भी है तो बुलिश, अगर ये कॉल साइड कॉल वाला है जो लाइन 0 के ऊपर हो तो फिर बुलिश हो जाता है। और मैं आपको कहता हूँ कि नियर एटीएम आप 3 5 या 7 तक आप ले रहे हैं, तो फिर आप ये भी देख सकते हैं कि फेयर प्राइस के ऊपर जो लाइन है उस तरफ का ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे अब ये नीचे आ गया, ये फेयर प्राइस के क्लोज आ गया, तो ये ट्रेंड थोड़ा वीक हो गया, इसके नीचे तो ट्रेंड बहुत ही वीक हो गया है। और जब ये टोटल ऑपोजिट फ्लिप हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, ये ग्रीन अब पहले कॉल्स ऊपर थे, अब ये पुट्स ऊपर चले गए, तो थोड़ा चेंज हो गया है मार्केट। या तो अगर डायरेक्ट सिंथेटिक फ्यूचर्स प्राइस का देखना है तो ये ऐसे हुआ था, यहाँ पहले प्राइस एक्चुअल ऐसे चेंज हुआ। एक बार ये निकालता हूँ, प्राइस ऐसे पहले ऊपर गया था, प्राइस फेयर प्राइस, और फिर यहाँ से नीचे आया, तो ये वही दिखा रहा है, तो ये यही दिखा रहा है, ऊपर गया था और फिर नीचे आ गया, यहाँ से मार्केट गिरना चालू हो गया, लेकिन फिर यहाँ ज्यादा चला नहीं, मार्केट ज्यादा नीचे गया नहीं, वापस ये चेंज हो गया। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये तो यहाँ पे यहाँ बुलिश था, यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा अच्छा खासा बेरिश हो गया था, यहाँ पे बुलिश होते होते रह गया। लेकिन ये मैंने कहा था कि ये जो फेयर प्राइस का चेंज का लाइन है, इसके ऊपर अगर नहीं जाएगा ये तोड़ के स्ट्रांगली ऐसे ब्रेक करके जब नहीं जाएगा, तो तब ये ट्रेंड बराबर नहीं है। तो ये बुलिश है, लेकिन उतना स्ट्रांग बुलिश नहीं है, ये आपको ये दिखा रहा है। जैसे ये ऐसे रहेगा तो ये मोस्टली साइडवेज साइडवेज अप है, लेकिन साइडवेज ऐसे है। तो अगर आपको ये देखना है तो ये डार्क वाला लाइन देखिए, तो ये पूरा जो है साइडवेज था, तो यही आपको दिखा रहा है, तो ये पूरा साइडवेज था, फिर यहाँ से ऊपर जाना चालू हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ यहाँ पे ब्रेक, उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं था, ये आपको दिखा, यहाँ पे थोड़ा सा रैली हुआ लेकिन वापस वापस नीचे आया। तो ये जब तक क्लियर इसकी ये लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक स्ट्रांग मूव नहीं है। तो स्पेशली आप अगर ऑप्शन बाइंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको ऐसा अगर मूव रहेगा तो फिर बेटर रहेगा ऑप्शन बाई के लिए, एकदम यहाँ पे सीधा ऊपर ओपन हुआ और ऊपर गया है तो वो बेटर रहेगा, यहाँ भी ये मूव बेटर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक काफी ज्यादा नहीं था, लेकिन ये ऐसा जब होता है तो बेटर होता है। जब ऐसे सिर्फ ये ट्राई करता है इस लाइन के ऊपर जाने के लिए, लेकिन फिर ब्रेक नहीं कर सकता ये लाइन के ऊपर, तो फिर यानी कि दम नहीं है मूव में, आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो फिर लॉस ही होगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग को आपको वॉलेटिलिटी चाहिए, एकदम बड़ा स्ट्रांग मूव चाहिए, तो ही फिर आपको प्रॉफिट होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि टाइम डी के आ जाएगा उसमें। तो ये एक टूल है जो बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये आपको जो ओपन इंटरेस्ट का मैं आप तक बता रहा था वो सेंटिमेंट बताता है आपको, और ये ट्रेंड बताता है। तो अभी दोनों का कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो ये भी अगर ओपन रखेंगे ये टूल भी दूसरे टैब में, और फिर आप वॉइस स्टैट्स देखेंगे और फिर ये देखेंगे, तो आपको आइडिया थोड़ा बेटर है एक दो, क्योंकि वो ओपन इंटरेस्ट है और ये प्राइस बेसिस है इसका, तो ये दो अलग सर अलग इंडिकेटर्स हो जाते हैं, तो बेटर रहेगा। सर ये तो आप प्रीवियस मार्केट दिखा रहे हैं जो मार्केट क्लोज, अगर लाइव मार्केट में अगर ये ऊपर जा रहा है और फिर वहां से सडन ये नीचे आएगा तो हम कैसे वो एनालिसिस कर पाएंगे कि ये भी और ट्रेंड अपसाइड है। कौन सा और कौन से टाइम का हो गया यहाँ पे? आप मॉर्निंग में देख लीजिए सर, मॉर्निंग में आप स्टार्टिंग में देख लीजिए, अगर आपने यहाँ हाँ पे रिट्रेस किया इसे हाँ अपसाइड गया देन रिट्रेस किया हाँ तो हाउ कैन वी कैन डिफाइन की अभी और अप ट्रेंड रहेगा ऑन एक द लाइव एक मार्केट। तो एक तो इसको यहाँ पे जैसा नीचे जाना चालू हुआ, तो यहाँ हाँ से फिर से आप
कहीं से ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए सेम ये वाला लाइन, तो तो जैसे ये यहाँ पे कांटा अभी ये था। नीचे गया, आप हाँ तो यहाँ से नीचे गया अगर तो यहाँ पे प्रीवियस 5 मिनट ऑलमोस्ट, पर हाँ ये ट्रेंड ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो गया, ये ऊपर का ट्रेंड जो था यहाँ पे खत्म हो गया, ये जैसे ही यहाँ तक आ गया ये ऑलमोस्ट साइडवेज टू डाउन हो गया, ये ठीक यहाँ पे वही हुआ। जब तक ये फिर से ऐसे ऊपर ब्रेक नहीं होगा तो तब सर, तक फिर ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ये एक और एक बिल्कुल दूसरा मॉर्निंग में अगर आप देखें ना, हाँ बेनिफिट बैंक निफ्टी एक सर। सर मिनट जैसे इसमें हाई हाइज बनने लगा है वन मिनट हमारी है, वन मिनट यहाँ पे ओपन रूटीन, हुआ देखता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, 54 लगा लेते हैं। हाँ तो ये वही है, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आप बोलिए। तो यहाँ पे भी जैसे ये बस वही हाई हुआ, हाइज बनने लगा है हाँ सेम, और फिर यहाँ से एक कॉल बार के यहाँ फ्रेम्स। पे, हाँ यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया इसका, यहाँ पे इसके ये लाइन के नीचे आ गया, चेंज हो गया, बस इसके बाद ये नीचे गिरने का थोड़ा ट्राई किया इसने, लेकिन यहाँ पे फिर से ये भी ब्रेक डाउन हो गया, बस यहाँ से पूरा का पूरा साइडवेज था। ये दोनों लाइंस अगर 0 के नीचे है तो मार्केट साइडवेज है। सर साइडवेज मार्केट में देखूंगा कि मेरा, सर एक मिनट दीजिए सर, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लूँ। सर मेरा क्या डाउट है इसमें कि जैसे आप मॉर्निंग में आप ये हाई राइज जो आप दिखा रहे हैं आपके कॉल के प्रीमियम में, जो इसमें हाई राइज बन रहा है अभी जहाँ हाँ पे अभी टॉप, हाँ अब हाँ जैसे यहाँ से रिवर्स हुआ नीचे जस्ट प्रीवियसली, हाँ और उसके बाद फिर दोबारा ट्रेंड जाने लग गया ऊपर, तो देन वी फिर कैन गो कहाँ फॉर द लॉन्ग पे यहाँ 26 जुलाई, 26 जुलाई का दिखाइए सर, आप समझ पे। में हाँ आ एक जाएगा मिनट ना, इनको। एक यहाँ पे बोल रहे हैं आप इससे पहले से उस, प्रीवियस प्रीवियस ये शोल्डर पे, हाँ हाँ ये तो ठीक है, जब तक हाँ ये लाइन को ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक तो अप ट्रेंड ही है। ओके और ये ऐसे नहीं कि आप ये एक मिनट, ये आप ये देख के आप एक्चुअल ट्रेड लेंगे नहीं, ये क्या है, ये यहाँ से एक बार आपसे यहाँ जब ब्रेक हो रहा है तो आप एक्चुअली फिर ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शन का ट्रेंड देखेंगे, ऑप्शन ओके एक हाँ स्ट्राइक का या फिर फ्यूचर्स का जो भी है, ये फिर आप ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए देखेंगे आप, तो सर, इसने जस्ट डायरेक्शन सही प्रीवियस शोल्डर इसने ग्रीन इसने ब्रेक किया, तो फिर वी कैन थिंक ऑफ गोइंग अपसाइड आल्सो। इसने यहाँ यहीं पे आप जा पॉइंट है, ये प्रीवियस शोल्डर हाँ है इस शोल्डर के जस्ट, ये जब तक ऊपर ऊपर ऐसे जा रहा है तब तक ओके है हाँ पूरा, ये हाँ प्रॉब्लम यहाँ पे चालू, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे या तो फिर सर हम जिस, निकले जाएंगे सर, वो तो हाँ श्योर है, हाँ ये राइट, तो समझ फिर लिया ये तो होगा। चलेगा जब तक ये लाइन के ऊपर है ना तब तक प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, ओके आपको प्रॉब्लम ही नहीं है स्टॉप सर। लॉस ही करना पड़ेगा आपको, हाँ हाँ ये सिर्फ एंट्री, व्यू देगा आपको। हाँ राइट एंट्री वो मैटर करती है। ठीक है थैंक्स सर। हाँ दूसरे दिन का हिस्टोरिकल कोई बोल रहा था, कौन से दिन, 26 डेट का बता रहे थे सर, 26 26 जुलाई 26 जुलाई26 देखिए जुलाई सर, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, हम कहाँ पे अरे ऊपर हुआ स्टूल में था, जो वीवैप दिया है वो वीवैप किसका है, ये 5-6 फ्यूचर्स का है, स्पाइक्स का है फ्यूचर्स या फ्यूचर्स का रहेगा वो, का है? हाँ फ्यूचर्स, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। हाँ तो ये करेक्ट रहेगा, ये सुबह का एट द मनी स्ट्राइक। हाँ यहाँ तक कुछ भी क्लियर नहीं था आपको, ठीक है यहाँ पे थोड़ा गया लेकिन फिर नीचे आ गया है, बस कितने 9:19, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट के यहाँ पे ट्रेंड के जैसा दिखा रहा था वो, लेकिन कुछ सेट नहीं हुआ, ये तो पूरा साइडवेज था। यहाँ पे मेन ब्रेकआउट आया, ब्रेक यहाँ पे तो जब इसने नीचे, ऊपर ब्रेकआउट किया तो नीचे भी हमारे जो रेड फुट के प्रीमियम वो भी काफी हाँ नीचे दिखाई दे, तो हाँ कहीं वो भी आना गया नीचे हमें बराबर, क्लैरिटी मिल गई, ये आप कहना चाह रहे हैं? तो ये दोनों देखना है ठीक आपको कि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक दूसरा एक ब्रेक, एक नीचे एक लाइन गिर जाएगा, अब ये यहाँ से यहाँ तक गिरा है, कभी कभी ऐसा होगा कि ये गिरेगा लेकिन आप ये देखें चेंज ही नहीं हुआ कुछ, ज्यादा कुछ ऊपर गिरा ही नहीं, हाँ तो ये बढ़िया ये इंट है सर। कितना कितना स्ट्रांगली ये भी आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो इतना नीचे आया है लेकिन ये कुछ स्ट्रांग है ही नहीं, यहाँ कोई हाँ स्ट्रेंथ ही नहीं है इसमें, बिल्कुल तो कोई रिकवरी हो रहा ही नहीं इसमें, यानी कि मार्केट नीचे गिर नहीं रहा है, बाउंस हाँ गिर रहे हैं, तो ये सिर्फ छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग है तो और कुछ भी नहीं है, ऐसा ओके ये दिखाता है ग्रेट सर। सर इसमें रिप्ले देखने को मिलेगा क्या? रिप्ले नहीं है, बहुत लोगों ने पूछा है तो हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे करना है, ये पूरे सिंपल चार्ट सही है तो इसमें एक्चुअली कुछ क्या है ना, ऐसा, इसमें थ्रू आउट द डे कैसे मूव होता है और लाइव दिखेगा, हम लोग को अंडरस्टैंड कर हाँ पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे ठीक है मैं रिकॉर्ड। सोचता हूँ, क्योंकि ये कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है बहुत सारे टूल्स में रिप्ले देने के लिए, तो सोचते हैं सर इसको, सोचते हैं कि अभी अभी एट प्रेजेंट तो ऐसे कुछ प्लान नहीं है, लेकिन आइडिया तो अच्छा है, वो तो मैंने नोट करके भी रखा हुआ है, तो ट्राई करते हैं सर, ट्राई करते हैं। डन सर, हाँ
नियर एटीएम फिक्स स्ट्राइक 7 रखना सही रहेगा या 5 रखना? 5-7 ठीक रहेगा। आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट, मैं जनरली 5 यूज करता हूँ, तो ये बहुत ज्यादा मत रखिए, क्योंकि क्या होता है कि फिर तो सेलर ये जो प्रोस्पेक्टिव क्या है, रखना सही रहेगा? 7 5? हाँ ये चलेगा, ये भी ओके है। 5-7 इससे ज्यादा मत जाइए, क्योंकि क्या होता है कि ये पूरा जो है प्राइस चेंज है, और अगर ये इन पूरे स्ट्राइक्स का मिला के चेंज अगर ये मार्केट के चेंज से ज्यादा हो गया, तो फिर ये ऊपर के ऊपर ही दिखाएगा, ये नीचे दे, जो रिवर्सल्स आपको जल्दी नहीं मिलेंगे रिवर्स, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो बस 5 या 7 रख लीजिए, बराबर है, प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे, हाँ सर इसमें अलर्ट दे सकते हैं क्या? ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा, बिकॉज हाँ अलर्ट्स एट प्रेजेंट नहीं है सर हमारे देखिए पास। ये 20 जितना टाइम लगेंगे ना सर, ये हम देखते रहेंगे, ठीक है सर? एक जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्रॉसओवर होता है तो अलर्ट आता है ना सर, वो ऑटोमेटिकली कुछ भी कर रहे होंगे ना, तो छोड़ के भाई यहाँ आ जाओ, तो क्या है ना, करेक्ट। इट बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अलर्ट्स मतलब ऑन ब्राउजर के ऊपर अलर्ट्स या कैसे? ये इंडिकेटर जो अपना जो रेड मार्क के ऊपर ग्रीन चला गया, यहाँ पे एक अलर्ट मिल जाएगा हाँ हमें, ये जा रहा है या नीचे कोई क्रॉस कर रहा है, कोई क्रॉसओवर में पर्टिकुलरली कुछ भी हम लोग जो चूज लेकिन कर वो अलर्ट पाए अलर्ट दिखाए कहाँ? वहीं पे पेज पे ही ना वो। हाँ कुछ रेड। नहीं, वो जैसे मैं एक लिया हूँ मार्केट पल्स, उसमें मोबाइल तो आवाज करने लगता है कि भाई ये अलर्ट आ गया, एक अलर्ट तुरंत हाँ एक ओके, टेलीग्राम चला, वो बहुत पर अच्छा भी है। दे सकते हो, अलर्ट्स बड़ा फीचर है तो टाइम लगता है उसको ऐड करने में, लेकिन ट्राई करते हैं। ओके टेलीग्राम पे भी दे सकते हो। हाँ ओके श्योर टेलीग्राम में भी दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज ठीक क्या है। होता है ना सर, थ्रू आउट द डे हम लोग ऑब्जर्व ही करते रहते हैं। आप 5 मिनट के लिए उठे चाय पीने के लिए, तभी साला कुछ आ गया, तो राइट राइट वो बराबर 5 मिनट में मूव खत्म। तो ओके ठीक है। एलर्ट का करो कुछ श्रीकांत आइडिया। सर, हाँ अलर्ट तो चलो बड़ा फीचर हो जाएगा सर। हम लोगों ने बात किया था ना एक मूविंग एवरेज यहाँ लगाने की, तो हाँ बराबर राइट राइट हाँ वो भी मूविंग है। एवरेज बहुत अच्छा है सर। इस लाइव लाइव मार्केट में ना सर, मूविंग एवरेज देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। मैं भी बहुत बार ओके रिक्वेस्ट ठीक है ठीक है। ये नेक्स्ट जो अपडेट होगा टूल में काफी 2-3 चीज नोट किए हुए हैं इसमें, तो वो एवरेज भी है उसमें, तो करेंगे इसको डेफिनेटली, कुछ ना कुछ करेंगे इसको। अच्छा वीवैप जो पूछ रहे थे ना, वीवैप यहाँ पे ये चेंज निकालना पड़ेगा आपको, चेंज प्राइस चेंज निकालना पड़ेगा तो, और फिर फ्यूचर्स और वीवैप ऐड कर दिए, फेयर प्राइस निकाल दिए। तो ये जो वीवैप है फ्यूचर्स का वीवैप, तो ये अगर आप लगाएंगे तो फिर फ्यूचर्स प्राइस के साथ लगाइए तो फिर मीनिंगफुल रहेगा, तो या और दूसरे फेयर प्राइस के साथ मत लगाएं, क्योंकि अभी मोस्टली तो सेम हो जाता है लेकिन कभी कभी बहुत डिफरेंस आ जाता है उसमें, तो फिर ये फ्यूचर्स प्राइस के लिए वैलिड है वीवैप। तो ऐसे लेकिन आप फिर प्राइस चेंज आपको देखने का है तो फिर ये वीवैप को मतलब नहीं होता, ये प्राइस चेंज अगर सेलेक्ट करेंगे तो फिर वीवैप ऑटोमेटिकली डिजेबल हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग नहीं है इसमें प्राइस चेंज का और वीवैप का, ऐसे आप इस पर मान प्लॉट नहीं लीजिए होगा। शुरू में तो फेयर वीवैप प्राइस के और ऊपर है फ्यूचर्स का तो अंतर? फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं ना? हाँ जनरली तो वैसे ही होता है लॉजिक, यानी कि वीवैप के ऊपर हो तो फिर जनरली बुलिश होता है, बराबर। सर मैंने भी चेक किया, इसमें 11:25 में इसमें बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी थी नीचे, और आपके में दिखा रहा है कि यहाँ पे एक पैनिक दिखा है इसमें। अगर आप देखें 11:35 पे यहाँ बना भी है क्या था सॉरी जी, यहाँ यहाँ पर पे सर एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी। हाँ उसके बाद भी हम स्टिल लॉन्ग साइड थे बुलिश जी, है, बुलिश थे। हाँ बुलिश हाँ टाइम राइट अभी, हाँ बट स्टिल सर जैसे यहाँ पे प्रीमियम्स में दिखा रहा है, लेकिन वहां पे स्पॉट में देख रहा हूँ, और अगर मैं प्रीमियम्स वहां पे अगर देखूँ, मतलब प्रीमियम चार्ट तो नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा कुछ जैसे चार्ट हायर आइज जा रहा है इसमें उतना मेरे ख्याल से सर इसमें तो नहीं बना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे यहाँ पे तो साइडवेज ही रही मार्केट थ्रू द टाइम। साइडवेज तो था वो तो है, लेकिन अब ये हाँ ओवरऑल ओवरऑल क्या ट्रेंड है वो दिखाएगा, पूरा अच्छा ओवरऑल जो है दिन में कैसे हाँ ट्रेंड कैसे जा रहा है तो वो दिखाएगा। अब ये हर एक छोटे ट्रेंड के लिए यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं होगा, जो ऐसा दिखाएंगे तो फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड दिखा रहा है, तो ये लंबे ट्रेंड्स पकड़ने के लिए ये ऐसे छोटे छोटे ट्रेंड्स को पकड़ेगा, ऐसा है अच्छा तो जी। सर इसने एट द एंड ऑफ द डे मतलब यूडी में इसने यहाँ पे बिल्कुल बुलिश क्लोज कराया, तो ये क्या हमारे सेंटीमेंट बताया कि टुमारो विल बी अ गैप अप ऑल्सो वो तो और टुमारो का, साइडवेज। तो टुमारो का तो बोल नहीं सकेंगे सके, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, तो ऐसे कैसे बताएंगे कि अब आज के मतलब दिन। इससे मेजरली हम किस लिए इसे हम इस प्रीमियम डिकेड को हम वॉच आउट कर रहे हैं, मतलब मैं ये जानना चाह रहा था।
एक्चुअली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं कि कौन किस तरफ ट्रेंड है मार्केट का। तो आप ये अभी अगर वो बुलिश ही बुलिश दिखा रहा है तो आप फिर पुट सेल करेंगे या फिर कॉल बाय करेंगे और फिर होल्ड करेंगे कुछ टाइम के लिए। तो वैसे ट्रेड्स के लिए आप ये ठीक रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ठीक आप ये लेके नेक्स्ट डे के लिए जा सकते हैं कि पता नहीं कैसे काम है। रहेगा। स्कैल्पिंग के लिए तो मुझे समझ नहीं आया था स्कैल्पिंग के रिलेटेड, क्योंकि इसमें तो अभी जैसे ये कैंडल बनी वो तो काफी ज्यादा एसएल दे रही थी, तो अगर मैं इसको बैठा रह जाऊं तो स्कैल्पिंग से ज्यादा मेरे ख्याल से 30 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर, ऐसे थोड़े लंबे ट्रेड्स अगर आपको चाहिए तो फिर ये बेटर रहेगा। क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे हमारे सब टूल सबसे पहले डिलेड है 1 मिनट 30 सेकंड, तो ये वैसे भी आप स्कैल्पिंग के लिए यूज नहीं कर सकेंगे। आपको 1 मिनट में तो आपका ट्रेड भी कभी कभी निकल जाता है स्कैल्पिंग में, तो खत्म भी हो जाता है ट्रेड, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। और एक क्या है कि ओपन इंटरेस्ट, ये टूल तो ठीक है मेरे ख्याल से, क्योंकि प्राइस बेस्ड है तो इसमें डिले ज्यादा नहीं रहेगा। ओपन इंटरेस्ट के टूल्स अगर यूज करेंगे तो फिर तो स्कैल्पिंग तो आपके लिए आप तो यूज कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि फिर वो ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट 3 मिनट्स डिलेड होता है, 3 मिनट्स के बाद ही अपडेट होता है। तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, तो ये थोड़े लंबे ट्रेड जो होते हैं उसके लिए बेटर रहेगा, इसमें एटलीस्ट ठीक डिले है कम सर, हो। राइट, ओके। डन सर, आगे बढ़ते हैं सर। डन, हाँ, तो ये इस टूल में कोई क्वेश्चन जो भी हो बाद में फिर से आएंगे, मैं और एक टूल कवर कर लेता हूँ। तो ये मोस्टली पूरा हो गया। अंकित हाँ यार यस, लॉन्ग टाइम। या अंकित वही। वो इसमें EXTC और EXTP क्या है ऊपर? हाँ, एक्सट्रिंसिक वैल्यूज ऑफ, टाइम वैल्यूज ऑफ कॉल एंड पुट, दिस आई हैव नॉट एक्चुअली, मैंने ये हम लोगों ने ऐड तो किया है, लेकिन इसका और इससे क्या कर सकते हैं एक्चुअली, थोड़ा कुछ और अलग करना था इसका, क्योंकि वरना ये ऑलमोस्ट सी और पी के प्रीमियम्स के जैसा ही है, तो इसका चेंज ऐसे उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो ये इसलिए मैं अभी एग्जैक्टली इसको कैसे यूज करें तो मैं अभी बता नहीं पाऊँ। इसमें और कुछ करना है एक्चुअली, और कुछ टेस्टिंग चालू है हमारा, तो इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या, वो देख रहे हैं। मतलब लेकिन ये टाइम वैल्यूज है बेसिकली, टाइम वैल्यूज ऑफ कॉल एंड पुट बेसिकली। सो बेसिकली ऑन एक्सपायरी डे, मतलब अगर आप इसके ऊपर कुछ कर पाएंगे, मतलब कि बिकॉज टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि उनके एक्सटिंग टाइम वैल्यू खत्म हो रहा है मान लीजिए, हाँ सो इफ टू गेट सम इफ समबडी वांट्स टू लेट्स से पिन पॉइंट द एक्सपायरी कि कहाँ होने वाली, तो उसको लेकर के यहाँ पे कुछ इसके अंदर मिल पाएगा, मतलब आई थिंक। या वो दो तीन चीज है, हम लोग ये भी देख रहे हैं, और एक दो तीन चीज है वो देख रहे हैं। एक्सपायरी के क्लोज ज्यादा वैल्यू है इसका डेफिनेटली, हाँ तो वो हम लोग बिकॉज ट्राई करेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सपायरी, मतलब लास्ट 30 मिनट्स में कभी कभी है ना एक्सपायरी में, मतलब स्पेसिफिकली क्योंकि मैं जैसे प्राइमरीली मान लीजिए ऑप्शन बाइंग में देखता हूँ, तो वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकाल करके मतलब थोड़ा ये करना कि कौन सा ऑप्शन है जो लास्ट के अंदर अगर आप फेयर प्राइस क्लोज के लिए है ना बाय करके छोड़ सकते हैं, मतलब जैसे ऐसा है कि अगर आपको वो सस्ता मिल जाता है क्योंकि वो लग रहा है कि हाँ एक्सपायरी तो यहाँ से ऊपर होनी चाहिए, तो वो ऑप्शन वहाँ पे तो क्लोज नहीं होगा वैसे करके। ओके सर, मैं एक टूल मुझे कवर करना है, तो उसके बाद ठीक है में ठीक है, और डिस्कशन कर सकते हैं। श्योर। ओके ओके, तो ये जो है, ये टूल हमने ऐड किया था रिसेंटली, ये 15 मिनट्स, 10 मिनट, ये थोड़ा टाइम, इसको लोड करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटेशंस होते हैं इसके ट्रेंड के, वन डे वाला फास्ट लोड हो जाएगा। हाँ, तो ये टूल लास्ट टाइम जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसके बाद और थोड़े चेंजेस आए हैं इसमें, तो मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है जो ट्रेडिंग के लिए। तो ये शुरुआत से आपके, समझा सॉरी, देना, शुरू से समझा देना, मैं नहीं देख रहा हूँ, समझ हाँ, पूरा पूरा फुल में फ्लो, भी नहीं आ रहा। हाँ पूरी राइट, सकते हैं। ओके। अच्छा, ये पूरे जो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट दिख रहे हैं, ये पार्ट पूरा, ये बुलिश स्क्रिप्ट हैं और ये बेरिश हैं। बुलिश और बेरिश ट्रेंड के हिसाब से, ये प्राइस का ट्रेंड जो होता है उसके हिसाब से। तो ये वन डे का मतलब ये है, आप ये इस एक्सपायरी के वन डे के ट्रेंड्स, ये फ्यूचर्स जो है, ये और ये फ्यूचर्स जो है, इसके ट्रेंड्स आप देख रहे हैं प्राइस। वन डे का मतलब ये है कि
अगर आप सुबह में 9:15 अगर आपने ये ओपन किया है, तो पिछले दिन 9:15 से लेके आज 9:15 तक प्राइस का ट्रेंड क्या है वो आपको दिखाएगा। अब ये ट्रेंड ये आप अगर देखेंगे तो ये एक दिन का ट्रेंड, ये बुलिश है, ये दिखा रहा है, ये वन डे का ट्रेंड है। यानी कि आप ये तो वन डे मतलब पूरा कल फ्राइडे का पूरा मॉर्निंग से लेके पूरा मार्केट क्लोज तक ये दिखा रहे 5 मिनट्स का चार्ट है। अगर आप ये आप मंडे के दिन ओपन करेंगे, मंडे के दिन आपको मंडे का जब पहला टिक आएगा तो ये आपको पूरा ये 9:20 से लेके 9:20 उस दिन नेक्स्ट डे मंडे के दिन तक का ट्रेंड, उसके हिसाब से आपको ये ट्रेंड कंप्यूट करके यहाँ पे लिस्ट करेगा सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से हैं लास्ट वन डे के ट्रेंड के बेसिस पे। तो आप ये देखेंगे पूरे वन डे का ट्रेंड इन इनका सब का ऊपर है। तो ये और एक ये जो इसमें ट्रेंड स्कोर कैलकुलेट होता है, थोड़ा वॉलिटिलिटी वगैरह जो भी है उसके हिसाब से जो भी है क्या बहुत कुछ होता है इसमें, प्राइस ट्रेंड वॉलिटिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो करके हम लोग ये स्कोर कैलकुलेट करते हैं। और ये स्कोर के हिसाब से ये बुलिश जो है ये टॉप 3 सबसे अच्छे ट्रेंड के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें। अब एक बार ये और नीचे नीचे जाएंगे तो इनके ट्रेंड्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे, और ये जैसे आप और भी नीचे जाएंगे तो इनकी ये आप देखेंगे कि ट्रेंड्स वन डे ट्रेंड्स भी ये उतने अप ट्रेंडिंग नहीं रहेंगे। तो ये ट्रेंड स्कोर वो बताता है और उसके हिसाब से हम लोग रैंकिंग करते हैं इसका। तो ये इस रैंकिंग में 95 दिख रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे बेरिश नहीं है, साइडवेज हो सकते हैं या फिर इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है बेरिश की तरफ, लेकिन अभी पूरी तरह बेरिश नहीं हुए ये दिखाता है। और ये इस साइड पे पूरे के पूरे आप बेरिश ट्रेंड्स रहेंगे। यानी आप शॉर्ट के इंट्राडे शॉर्ट अगर आपको करने का है या फिर आप जो भी आपके बुक्स कॉल स्प्रेड्स है आपको सेल करने हैं या जो भी आपको बेरिश एक्टिविटी जो करने का है आप, या कैश मार्केट में आपको इसको सेल करने का है, शॉर्ट सेल करना है आपको एक दिन के लिए पूरी इंट्राडे ट्रेड की, तो आप ये ऊपर वाले ले सकते हैं। सेम इस तरह इसका भी टॉप 7 जो है आपके इसके जो बहुत अच्छे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेरिश के। जैसा आप नीचे नीचे जाएंगे, और ये जो है ये लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, ये पूरा जो ट्रेंड का जो कंप्यूटेशन है ये पूरा प्राइस ट्रेंड और वॉलिटिलिटी और ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, 2-3 फैक्टर्स हैं उसके हिसाब से ये स्कोर कैलकुलेट होता है। और सर ये कैसे जाना, सर किधर से जाना है, हाउ यू हाँ चूज। ये फ्यूचर्स स्क्रिप्ट्स इन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ओके थैंक यू सॉरी सबसे पहले वही बताना था मुझे सॉरी। तो ये है, और सर। आप इसको इंट्रा कितने पीरियड में देखना चाहिए? हाँ ये आप जब इंट्राडे आपको ट्रेंड करना है ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए तो वन डे वाला यूज कीजिए, बाकी सब पोजिशनल के लिए आप छोटा 2-3 दिन का या 3 डेज भी, आप 3 डेज के भी जो स्टॉक्स होते हैं ये भी बुलिश रहेंगे। आप देखेंगे कि ये चेंज ये कॉलम जो है चेंज सिंस ओपन दिखाता है, यानी कि मार्केट ओपन होने के बाद कितना मूव हुआ है। तो ये भी अगर ये 3 दिन वाला भी अगर आप देखेंगे तो ये साइड आपको आज के दिन सेम डे फ्राइडे के दिन तो ऊपर ही था, ये बहुत सारे पूरे ऊपर ही थे, ये नेगेटिव था, और पूरे इस तरफ के बेरिश वाले चेंज सिंस ओपन पूरे नेगेटिव। तो ये ऊपर वाला कॉन्फिडेंटली आप यूज देख सकते हैं, वन डे या 3 डे इंट्राडे के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। सर तो ये इसमें वाले सॉर्टिंग का वो डाल सकते हैं क्या, फिल्टर जैसे सॉर्टिंग का हमने एक्सेल में इसलिए नहीं फिल्टर डाला है डालना? क्योंकि फिर ट्रेंड स्कोर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ऊपर के जो है यही आप फोकस करें, इसलिए मैंने सॉर्टिंग दिया नहीं। हम लोग डाल सकते हैं इसमें सॉर्टिंग, लेकिन फिर इसका ये पूरा स्कोर ऊपर नीचे हो जाएगा, रैंकिंग हमने जो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 28 जब मैं बताता हूँ तो ये टॉप 28 में आप करेंगे तो बेटर रहेगा, टॉप 28 में रहेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके ओके नीचे फिर इसके ट्रेंड्स अलग हो जाते हैं। हाँ ये भी आप 3 दिन का जब आप लेते हैं तो ये 3 दिन का ट्रेंड दिखाता है, 3 दिन का ट्रेंड कैसा चलो। तो अभी देखेंगे 3 डेज का है तो ये 9th है 8th है और 7th, ये 3 दिन का ट्रेंड ऊपर है तो उसके हिसाब से ये रैंकिंग ये रैंकिंग ट्रेंड स्कोर के हिसाब से है। हाँ ट्रेंड स्कोर के हिसाब से होता है। और ट्रेंड ओके स्कोर जो है कंप्यूटेशन उसका मेनली तो प्राइस कैसे मूव हुआ है 3 दिन में, और फिर बड़े बड़े मूव्स ना हो, स्टेडी स्टेडी प्राइस कैसे होता है वो हम लोग पैटर्न इसका आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर बड़े आड़े टेढ़े मूव्स हो तो फिर उसका ट्रेंड रैंकिंग स्कोर कम हो जाता है, वॉलेटाइल मूव्स हो, क्योंकि वॉलेटाइल मूव आ गया तो फिर आपको
आप उस ट्रेड में हो तो आपको थोड़ा उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो ऊपर नीचे कहीं भी वॉलेटाइल, मतलब कहीं भी जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्लीन ट्रेंड्स जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्लीन सर, ट्रेंड स्कोर ट्रेंड, जो है आउट ऑफ कितने में से होता है सर? सॉरी ट्रेंड सर, स्कोर ट्रेंड स्कोर जैसे ट्रेंड का है 18.05, तो ये आउट ऑफ कितने में से आपने दे रखा है, मतलब कितना हम नहीं इसको भाई, हम लेंगे इतना? वैसा वैसा आउट ऑफ कुछ नहीं होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि आप ये अगर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो तो फिर ये कहीं भी ऊपर जा सकता है। आप फॉर एग्जांपल आप 15 दिन का देखेंगे, 15 दिन का ट्रेंड स्कोर, तो वो 1 मिनट में, ये थोड़ा टाइम लगता है इसको आने के लिए। हाँ पर इसका देखिए बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि 15 डेज का 15 दिन का जो ट्रेंड होता है वो उसके हिसाब से फिर ट्रेंड स्कोर बनता है। तो वो सर ये आउट तो ऑफ जैसे कुछ फिर भी नहीं होता है। लेकिन आप एक देखेंगे, मार्केट अगर वीक हो गया, मार्केट वीक हो गया तो ऊपर के जो बुलिश स्टॉक्स भी होते हैं उसका ट्रेंड स्कोर बहुत कम हो जाए। तो ये दिखाता है कि एक्चुअल ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है। तो ये ऐसा कोई लिमिट नहीं है इसमें, आप मार्केट बहुत स्ट्रांग होगा तो 50-60 भी रहेगा ये। तो ऐसे आउट आप ऑफ 18 बुलिश स्टॉक वी कैन सेलेक्ट द ट्रेंड स्कोर जिसमें ज्यादा हो, और भी हाँ हमारे फिल्टर हो जाएगा। हाँ 18, टॉप 18, ये बता रहा है कि टॉप 18 तो बहुत अच्छे ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं, तो आप ठीक इसमें है इसमें ये कंसिडर कर सकते हैं ये 15 डेज, ठीक मतलब है पोजिशनल भी। तो ठीक ऐसा है। है अब इसका इसमें ट्रेंड स्कोर कल। जिसको मिला उसमें उसमें और सिलेक्ट कर सके हम, और डिफाइन हो कल जाएगा। जैसे अब हाँ ट्रेंड का कल मूव स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ट्रेंड जो है रैंक में, मतलब जो ट्रेंड स्कोर होगा उसका कम होगा, मतलब फर्स्ट या सेकंड नहीं होगा, लेकिन उसके बाद डे एंड तक आते आते वो, तो उसको कैसे कैच किया जाए जो है? हाँ उसीलिए ये हम लोग जो देते हैं, तो तीन तीन चार आप देख सकते हैं, या 10-12 भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा नीचे मत जाइए इसमें, बहुत ज्यादा नीचे मत जाइए। अगर ये आपको यहाँ पे ऊपर वाले 9 और 3 दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 1-1 के नीचे मत जाइए। तो ऐसे थोड़ा बहुत, ये बहुत अगर नीचे जाएंगे तो फिर साइडवेज आएगा, लेकिन आप ऊपर के थोड़े कंसिडर कर सकते हैं। आइडियली तो टॉप 3 ही अच्छे ट्रेंड्स बता रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता कि अब ये भी ट्रेंड ठीक ही है बेसिकली। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा नीचे चालू हो गया तो मेरे ख्याल से तो फिर थोड़ा ट्रेंड, थोड़ा स्कोर ये कम हो चार्ट गया इसका लाइव है? लाइव, मतलब हाँ ये भी अपडेट होगा, ये भी अपडेट होगा एवरी मिनट या जो भी है। ये तो 5 मिनट अच्छा, का चार्ट है ये एक्चुअली, तो ये सिर्फ ट्रेंड का आपको अंदाजा दिखाने के लिए है। तो तो ये 5 मिनट का बट लाइव रहेगा ना? लाइव रहेगा, आप ये अगर ये चेंज करेंगे तो ये अपडेट अपडेट होगा, तो फिर ये चार्ट भी अपडेट लेटेस्ट रहेगा, इसमें पूरा एकदम लेटेस्ट डेटा दिखाएगा इसमें। और सर ये रैंकिंग तो भी जैसे, अपडेट होता रहेगा? हाँ, रैंकिंग भी अपडेट, हाँ यार। अच्छा जैसे ये तो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो ये पास का ट्रेंड है, तो ये आगे कंटिन्यू करेगा कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा सर? नहीं, अभी वो जैसे बेसिक बेसिक कंसेप्ट यही है कि ट्रेंड फॉलोइंग का जो कंसेप्ट है, तो यही बताता है कि 1 डे से ज्यादा, 3, 7, 15 डेज का जो है ट्रेंड जनरली परसिस्ट होता है, ये ट्रेंड जनरली चलते रहता है। आप ये मॉनिटर कीजिए, आप नोट कीजिए, देखिए 1 डे का तो बहुत फास्ट चेंज हो जाता है, तो लेकिन आप 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन का देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स कंटिन्यू होते जाएंगे। क्योंकि ये जो लास्ट 3 डेज का जो चेंज है, तो इतना मूव हुआ है लास्ट 3 दिन, तो ये और भी मूव हो सकता है। लास्ट 2-3 डेज मूव हुआ है। आप वैसे ही 7 दिन में भी देखिए, आप बहुत सारे कॉमन स्क्रिप्ट दिखेंगे आप। तो इसका सर, क्या इसमें लॉजिक एक स्प्रेड फीचर ऐड वगैरह हो बना सकता है सकते हैं कि ना, सॉरी, इसके बेस पे स्प्रेड बना सकते हैं ना? हाँ बस पोजिशनल स्प्रेड्स वगैरह बना सकते हैं। मैं भी खुद ट्रेड सर स्प्रेड्स बना, इसमें, सर इसमें जैसे ये आ सकता है कि ट्रेंड स्कोर जैसे 3 डेज का हो गया, 1 डे का कितना है, 7 डे का कितना है, 15 डे, मतलब इसी में स्कोर्स कोई चाहिए पार... आपको पूरे 3, 1, 3 और 7 दिन कि के। मतलब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ट्रेंड स्कोर है या डिक्रीजिंग ट्रेंड स्कोर है, वो दिखाई पड़ जाएगा सर। देखते हैं सर, वो कॉम्प्लिकेटेड हो आप जाएगा, अभी पर्टिकुलर स्टॉक के तो लिए बोल रहे देखते हैं, होंगे आगे आगे अपडेट करते हैं। आइडिया तो अच्छा है सर, एक कोई आगे। ट्रेड आइडिया बताइए ना सर, कैसे लेंगे, जैसे कि स्प्रेड लेना है, कैसे कोई जैसे ट्रेंड का लेना है, किस तरीके से, कौन सा अगर स्ट्राइक हो सेलेक्ट जाए करना है इंट्राडे आप? या पोजिशनल, इंट्राडे या पोजिशनल, पोजिशनल सर, पोजिशनल अगर पोजिशनल आपको क्रेडिट स्प्रेड लेना है, तो फिर आप ये, अब ये जो भी बुलिश है, अगर आपको मार्केट भी ओवरऑल थोड़ा आज अगर बुलिश दिख रहा है, तो फिर ये टॉप जो भी है 28, यहाँ पे 28 है, तो आप ऊपर के स्टॉक्स में से कोई आप पुट क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हैं। जनरली क्या है इसमें, इसमें जो है ट्रेंड्स परसिस्ट होने वाले हैं, तो यानी कि 3 दिन से अगर चल रहा है तो ये ट्रेंड जनरली परसिस्ट होगा।
और ये ऐसा नहीं है कि आपको एक एक ट्रेड अगर आप लेंगे तो वो कैसे भी चलेगा, तो क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग का कंसेप्ट ये है कि आप दो तीन अगर लेंगे तो फिर आपको चलने का चांस ज्यादा है, और भी लेंगे तो चलने का चांस और ज्यादा है। तो स्पेशली कैश वगैरह आप ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आप एज अ पोर्टफोलियो अगर सोच रहे हैं तो ऊपर ऊपर के कुछ स्टॉक्स अगर लेंगे तो वो बेटर चलेगा। अगर आप स्प्रेड्स ले रहे हैं तो एक दो तीन लीजिए जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, जनरली परसिस्ट होते हैं ट्रेड। अब डेल्टा कभी कौन सा कभी बेटर है, कौन सा डेल्टा स्ट्राइक अदरवाइज सिलेक्शन? कैश में स्विंग कर सकते हैं ना? हाँ एग्जैक्ट, कैश में भी, बस कैश के लिए बहुत बराबर। बस एक एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि ट्रेंड, आप जब ट्रेंड्स पकड़ रहे हैं तो आप अगर इसमें से एक चूज करके लेंगे तो वो आप बता नहीं पाएंगे कि वो कंटिन्यू होगा या नहीं, लेकिन आप कोई कुछ ट्रेड्स अगर लेंगे तो फिर वो उसमें से मेजोरिटी चल सकते हैं। वो ट्रेंड का कंसेप्ट वो होता है, ट्रेंड फॉलोइंग का कंसेप्ट वो होता है। तो स्प्रेड्स अगर आपको लेना है इंडिविजुअल तो आप एक दो या तीन में ही लेंगे तो जनरली तो चल चल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन वही है और आप वो बुलिश साइड ही आप ले रहे हैं तो वे जनरली परसिस्ट होगा और ज्यादा अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाएगा। तो आप अगर थोड़ा नीचे वाला फुट क्रेडिट स्प्रेड ले लेते हैं तो वो ओके ही चलेगा, उसमें कुछ उतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें, ऐसा क्योंकि सेक्टर का बना सकते हैं क्या? सेक्टर का भी बना सकते हैं। सेक्टर का तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से वो सेक्टर जो है उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। हाँ लेकिन तीन तीन सेक्टर दिन का चार दिन कैसे का तो बनाएगा? सेक्टर नहीं, में सेक्टर वाला तो ऐसे ही ऊपर आ जाएगा ना। नहीं बट हाँ ऐसा ही सेम वे सेक्टर का कि भाई चलो आईटी सेक्टर चल रहा है या फार्मा चल रहा है, कर तीन तो दिन सकते हैं, सात नहीं दिन तो दस वो दिन सेक्टर वाला स्टॉक ऊपर ही आ जाएगा, हाँ सारे ही ऊपर स्टॉक ऊपर आ जाएंगे ना। ट्रेंड ट्रेंड का वही है, ट्रेंड का जो कंसेप्ट होता है ये आपको ऑटोमेटिकली पूरे जो मूविंग सेक्टर्स पूरे हैं वो आईटी आपको ऊपर इसमें आ आ जाएंगे, जाएंगे। आ जाएंगे इसमें, अगर वो चल रहा है तो आ जाएगा इसमें। तो लेकिन आप वो कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था सेक्टर के, लेकिन क्या ऐसा है कि सेक्टर का अगर इंडेक्स रहेगा तो उस इंडेक्स का ट्रेंड ऐसे कंप्यूट करने में हमको थोड़ा इजी होगा, लेकिन आप स्टॉक्स पूरे स्टॉक्स का मिला के ट्रेंड स्कोर वगैरह करके करना तो एक पहले ही इसके कंप्यूटेशंस बहुत हैं, बहुत सारा कंप्यूटेशन लगता है इसमें, तो वो और भी स्लो हो श्रीकांत, जाएगा। इसका इसका एक बहुत इजी सोल्यूशन है सर। जो ट्रेंड है ना उस पर क्लिक पे हमारा जो एक सिंबल डैशबोर्ड करके है ना हाँ पेज, वो उसको ओपन करा दीजिए, सब कुछ देख लेंगे जो सिंबल, सिंबल हाँ करते हैं सर, नेक्स्ट डैशबोर्ड नेक्स्ट उस। याद दिला दीजिए, टूल के बाद डिस्कस करने के बाद वहां जाते एंड सेकंड चीज सर, जो चार्ट आपने जो पॉपअप दिया है बहुत अच्छा है सर, लेकिन इट्स फिक्स्ड इन साइज, तो कैन वी गिव समथिंग लाइक वी कैन एक्सटेंड लिटिल बिट बिगर, जिस हैं। यहाँ से अभी आप और देख रहे हो ना कि साइज इसका फिक्स है, आप इसको स्क्रॉल करके भले ऊपर नीचे कर सकते हो बट नहीं, चार्ट लेकिन का साइज नहीं बढ़ा। आइडिया सिर्फ क्या है कि एक्चुअली सिर्फ आपको ये ट्रेंड देखने के लिए कि कैसा है, बस सिर्फ उसके लिए है एक्चुअली, ऐसे सिर्फ ऐसे मूव के देखने के लिए है ये, एक्चुअली कुछ एनालिसिस करने के लिए नहीं। हम लोग यहाँ पे लिंक देने वाले हैं, जो लिंक क्लिक करने से फिर एक बड़ा चार्ट ओपन हो जाएगा तो ट्रेडिंग फिर व्यू तो का। ठीक है, फिर तो हाँ तो ठीक है। फिर आपको अगर आप शॉर्ट लिस्ट एक बार कर लेंगे ये ट्रेंड देख के तो फिर आपको फिर वो क्लिक करके फिर आप फर्दर एनालिसिस कर सकेंगे। हाँ या तो फर्दर वो चार्ट हो जाए या फिर हमारा जो सिंबल डैशबोर्ड पेज है वो ओपन हो जाए, उस पर सारी हाँ इन्फॉर्मेशन वैसे भी कर सकते अवेलेबल हैं, ठीक है ठीक है। और इसमें भी कुछ इंट्राडे का दे सकते हो क्या? है। इंट्राडे तो आप वन डे पे कर सकते हैं एक्चुअली, जो ऊपर ऊपर वो वाले होते हैं 15 मिनट 30 मिनट वन आवर नहीं, वो तो वो उसका ट्रेंड का फिर मतलब नहीं हो, ये जो कंसेप्ट है थोड़ा अगर प्राइस का थोड़ा अगर ट्रेंड हो तो फिर बेटर होता है, अगर 15 मिनट का हो तो 15 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट भी हो तो 30 बार्स होते हैं उसमें, ट्रेंड क्या लगाएंगे हम लोग, ट्रेंड क्या एनालाइज करेंगे, मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको मिनिमम वन डे का हम लोग एनालाइज करते हैं, और तो फिर थोड़ा आइडिया आ जाता है कि थोड़ा दम होता है उसमें, वन डे का पूरा वन डे का चार्ट। आप अगर दिन में बीच में भी 10:30 भी अगर देख रहे हैं तो आज 10:30 से लेके कल 10:30 तक का एनालाइज करेंगे तो फिर वो एक दिन का ट्रेंड होता है तो फिर वो शायद वो चल सकता है, वैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर 15 मिनट 30 मिनट का हो तो ट्रेंड के बेसिस में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो ट्रेंड स्कोर वगैरह फिर मेरे ख्याल से उतना रिलायबल नहीं आएगा, जैसे इसमें आएगा उतना रिलायबल वो नहीं हम लोग कंप्यूट कर।
हाँ जी, इसमें जो ऊपर बुलिश काउंट और बेरिश काउंट दिखा रहा है, मतलब वो काउंट क्या चीज का काउंट है? वो थोड़े कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, वो ट्रेंड स्कोर के बेसिस पे वगैरह होता है वो, तो उसका स्ट्रेंथ कितना है। अब ये फोर्थ अगर देखेंगे तो यहाँ से गिरना चालू हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो एक रीजन हो सकता है जिसके वजह से इसका स्कोर गिरना चालू हुआ है। और वो हमारा कुछ एक थ्रेशोल्ड है, जो एक लेवल होता है उसके ऊपर अगर वो हो तो हर एक दिन के लिए अलग होता है। लेकिन ये तो बेसिक, ये जो मेन एक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्रेंड की, कितना स्मूथ चल रहा है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि बुलिश है या उतना ज्यादा बुलिश नहीं। ये थ्री काउंट के नीचे जो होता है, यहाँ से अब ये ट्रेंड उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये आप ओके, देखेंगे सो कि यहाँ दैट से काउंट नंबर ये इज, मेरे मतलब वो पास टॉप थ्री, थ्री पे फोकस हाँ करना है। टॉप थ्री में अगर फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा ये। और ये ओके क्या है, ये आप थोड़ा ये दिन में ये चेंज काफी चेंज होता रहेगा, और जो आप नहीं, ये दैट आई अंडरस्टूड, बट वो सिग्निफिकेंट एग्जैक्ट उसका सिग्निफिकेंस वही पूछ वही रहे है थे। कि टॉप थ्री बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड सो में है फॉर ये। हाँ एग्जांपल, इफ वी गो टू 15 days नाउ, एटीन है, टॉप 18 तक हाँ अच्छा रहेगा। हाँ मतलब, तो स्विंग ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से, मतलब ओवरऑल FNO यूनिवर्स में 18 स्टॉक्स एज पर योर कंपटीशन आर इन बुलिश काउंट, या जिनका स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली में। स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट, करेक्ट। ओके, गॉट इट। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि मान लो 15 दिन वाला या 7 डेज वाला जो है वो इंटरडे में आएगा ऊपर, साइडवेज जाएगा तो भी। हाँ नहीं सम इसकी इस यहाँ पे अगर साइडवेज हो तो समझाने से। हाँ सपोज के 15 दिन में जो आ रहे हैं अभी 18 स्टॉक, तो आगे जाके मान लो मैं ये 18 स्टॉक को वॉच करूं तो 7 दिन में भी वो बुलिश में आएगा, और इस बार ऐसा होगा कि इंट्राडे में भी वो बुलिश में आ जाएगा। हाँ सबसे पहले 1 डे में आएगा, फिर 3 डेज में आएगा, फिर 7 डेज में आएगा, फिर 15 डेज में, ऐसा अच्छा, ऐसा मूव रिवर्स। होगा। हाँ सर, ये हमारा टूल कवर हो गया सर, हम डाउट शुरू कर। ये आया जस्ट जस्ट मिनट ना, ये बस ये 1 1.3 डेज में से अगर आया और फिर आपको 7 डेज में भी अगर दिख गया तो इसका मतलब है कि स्ट्रांग हुआ है, वो दिखाता है। मतलब 15 दिन में वो 7 डेज में नहीं आएगा, उसके बाद नहीं आएगा वो आएगा, कंटिन्यू और होगा 7 डेज में तो। भी रहेगा। 7 डेज है, 15 डेज वाला ग्रेन्यूल्स ल्यूपिन वगैरह देखिए आप, 7 डेज में भी आपको दिखेगा ग्रेन्यूल्स है, ल्यूपिन और थोड़ा नीचे रहेगा, वो सेम रहेगा ओके, ब्लू अरे घंटा होगा मतलब सर, जो दिखने में। लास्ट 15 डेज में ब्लू बुलिश घंटा है होगा वो सर लास्ट ना, 7 डेज में तो रहा ही होगा ना, तभी तो लास्ट ऑब्वियसली बन रहा रहा है, है। हाँ, मतलब उल्टा नहीं हो ब्लू सकता, घंटा होगा। उल्टा नहीं हो सकता। हाँ बट अगर आप उसे ऐसे रिवर्स में करते हुए चलो और डे 1 पे आके देखो कि वो अभी ट्रेंड में है, तो आप उसको फिर वहां से 15 डेज के लिए पोजीशन बना सकते हो उसमें। ये एक अलग से एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। वन डे का थोड़ा ये हो जाता है सर, क्योंकि ये बहुत फास्ट चेंज हो जाता है। 3 डेज से आप वैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये पूरे पोजिशनल के लिए ठीक है। नहीं सर, मैं बोल दिस रहा हूँ इज कि फॉर स्विंग में अगर फिल्टरिंग पोजिशनल बेसिकली। घूम, हाँ, या अल्टीमेटली तो और भी आपको अच्छा प्राइस के होगा। ऊपर ये करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रेडिक्शन। नहीं, बेसिकली 15 दिन का जो है बुलिश को लॉन्ग आगे बिल्डअप वाला भी वे और ऑफ जाएगा तो एनालाइज, रोकना जैसे मुश्किल एक होगा। वन बाय वन प्लीज, वन बाय 15 दिन में जो आ रहा है वो आगे और 10 दिन जाएगा, वो कहना मुश्किल होगा ना। हाँ वो तो है, वो तो है, एब्सोल्युटली। तो वो लेकिन 15 दिन वाला जनरली देखना के मतलब कैसे होगा? नहीं, 15 दिन में अगर है तो इसका स्ट्रेंथ, उसका ट्रेंड इतना स्ट्रांग है, तो वो मेरे ख्याल से आप कैश में पोजिशनल के लिए वगैरह यूज कर सकते, वो तो और भी लंबा जा सकता है। और अब एटलीस्ट इसमें अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा देख लीजिए चार्ट शॉर्ट पे में एक तो बार। ऑफकोर्स शायद बराबर है, नहीं, हाँ मतलब लॉन्ग मैं लॉन्ग ये लॉन्ग के पूछ लिए रहा था बोल रहा हूँ कि मैं, लॉन्ग के एक लिए। दिन वाला मान लो 7 दिन जा सकता है, 3 दिन जा सकता है, लेकिन 15 दिन वाला और 15 दिन जाएगा वो नहीं कह सकते, तो एक सर दिन और हमारे जाएगा कि 2 दिन। एक बात है, हम लोग एक पर्सनल चीज, ये हम लोग एक मोमेंटम सिस्टम रन करते हैं, 2019 से रन कर रहे हैं हम लोग। बस ये ओके, 15 दिन के भी ऊपर का ट्रेंड हम लोग देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं और उसको हम ट्रेड करते हैं लंबे टाइम सिर्फ के वो लिए। मोमेंटम वाला एक अलग ही बता देता। हाँ वो तो वो उसके लिए यूज होता है, तो ले कैश में लॉन्ग ट्रेड्स के लिए, लॉन्ग साइड पोजिशनल लंबे टाइम के लिए, वो तो कई कई बार तो तीन तीन चार चार महीने भी जाते हैं, तो ऐसा। तो वो अच्छा रहता है, शांति से काम हाँ चलता। हाँ
हाँ तो बताइए, और आप क्या क्वेश्चंस बताइए, क्या क्या क्वेश्चंस हैं आप जिनके? तो सर मैं शुरू करूं? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ओआई पल्स में जैसे आप ओपन है ओपन लोज दिखाते थे, अगर वो खोलेंगे चार्ट फ्यूचर्स का या स्पॉट बैंक निफ्टी स्पॉट सर, ऑप्शंस हाँ बैंक निफ्टी का ओपन आए? सर, यस सर, इसी में सर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए सर। जैसे कि इसमें मेरे पास दिखा रहा है नियर बाई स्ट्राइक प्राइस में ओपन आई है और ऐसे से लगा हुआ है, कॉल साइड लगा है, पुट साइड लगा हुआ है, तो यहाँ पे ओआई पल्स वेबसाइट में क्या होता है कि वो दिखाता है कि कितना प्रतिशत वो जाने के चांसेस है, वो एक दिखाता है प्रोबेबिलिटी परसेंटेज दिखाता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, और दूसरा सर की बुलिश बियरिश वो सब भी दिखाता है सर उसमें। हाँ प्रॉबेबिलिटी? सर वो हाँ, प्रोबेबिलिटी भी उनका दे देते पता हैं नहीं सर, सर। उनका क्या स्टडी है मुझे तो आइडिया नहीं। अब वो अच्छा कितना स्ट्रांग है, कितना क्या है, तो वो वो उसका जो है ना वो स्कैल्पिंग के हिसाब से होता है, हाँ नहीं वो मैं तो है, स्कैल्पिंग हमारा का, मैं स्कैल्पिंग के स्कैल्पर ही हिसाब से हूँ। नहीं, उनका स्टडी होगा, उनका कुछ स्पेशलिटी है वो, तो अब मेरे ख्याल से हाँ उनका उनका कुछ स्टडी है, तो हमने वो तो मैंने तो कुछ ऐसे रिसर्च किया नहीं है, तो इसमें और कुछ डाला भी नहीं है। तो ये सिर्फ आपको दिखाएगा सर कि ओपन आई ओपन लो कौन से हैं, ये डे ओपन बिल्कुल के बेसिस पे या टाइम फ्रेम के बेसिस पे, और ये बिल्कुल येलो सर, मार्किंग जो है वो जो ब्रेक जो हिट हुआ होने है। के बाद होता है। हाँ हाँ, जो सर, ब्रेक सर हुआ मैं है। ये ट्रेड करता हूँ, मेरा मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड मेरा इसी का रहता है सर, तो सर बेसिकली बस वही मैं चाहता कि वहाँ पे ना वो परसेंटेज और मिल जाता ना, ऐसे कुछ आप स्टडी कर रहे हैं अभी है इंडस्ट्री वो देखता हूँ, लेकिन मुझे मुझे आइडिया नहीं है सर, वो क्या वो लोग की। कैसे अच्छा प्रोबेबिलिटीज कैसे दे रहे हैं उसकी, उसके हिसाब हाँ, से तो मैं और अगर आप उसको। सर राइट साइड में पुट साइड में देखेंगे वहाँ पे कंटिन्यूअसली 50,300 400 पे भी हमारे पास है ओपन आए, बट वो हिट नहीं हुआ है, बट वो डेटा आपके पास आया है, तो उसमें क्या अगर वो हम कैसे इस चीज को समझें, मतलब वो सिर्फ डेटा है बट डेटा किस लिए, मतलब हम कॉल साइड जाएं या बिल्ड पुट साइड जाएं, वो चीज को लेके थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, क्लैरिटी ये आप दे सकते हैं। ओपन ओपन हाई का मतलब ये है कि ये सारे बेरिश है सुबह से, यानी कि उन हाई पे ऊपर, वो जो स्कैल्पिंग का होता है वो उल्टा होता है, यानी कि ये जो ऑपोजिट साइड ब्रेक होते हैं तो उसको वो लेते हैं, तो ये क्या है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो ये ओपन हाई मतलब वहां से नीचे ही जाएगा, ये पूरे वैसे ही गए हैं, नीचे ही नीचे गए हैं पूरे दिन के लिए। सर ओआई पल्स जो है सर वो इसे हिट कराने के लिए चलता है, आप रिवर्स बता रहे हैं मुझे, मैंने हाँ देखे सर, मैंने ट्विटर पे देखे, मैक्सिमम पीपल आर टेकिंग, मतलब अभी यूट्यूब पे भी वीडियो देखी जो उसको हिट हेलो आपका ओपन आया नहीं हिट करे तभी, है श्रीकांत सर, ना। वो रिवर्स लेते हैं ना, रिवर्स लेते हैं, रिवर्स सर श्रीकांत उसका सर। उसका कुछ लॉजिक है, मेरे भी खुद के कुछ सेटअप्स हैं, मतलब आप वो आई थिंक मतलब नहीं, करेक्ट है, ये जो करेक्ट है, उसीलिए वो मार्क भी कर रहे हैं हम लोग कि हाँ ऑपोजिट सर साइड के भी ट्रेंड्स बराबर श्रीकांत है सर, सर। या टेल हाँ या हेलो श्रीकांत सर, या टेल मी सर। ये 50-500 की आप कॉल का ये लगाइए, चार्ट लगाइए, वो 450 पे ओपन हुआ है, वही हाई है, तो उसको कट करने के लिए नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा, उसका मतलब ये है कि आपको कॉल लेना है उसमें। ठीक है बट और आप इतना ओपन गुस्से मत इक्वल होइए टू भाई। हाई, ओपन इक्वल टू हाई है ना, वो अपने हाई को तोड़ने के लिए वापस ऊपर जाएगा। देखिए ओपन इक्वल टू हाई है 450 का, नहीं, नीचे आया लॉजिक लॉजिक वही और है। वो ऊपर जाएगा, और चार मतलब उस समय आप कॉल ले सकते हैं उसको, वो मेडिकेट करेगा 450 को नहीं, बराबर है ना, जहां। वो यानी कि रिवर्स ट्रेड है, जनरली बहुत लोग हाँ लेते हैं रिवर्स ट्रेड ये। है, वो रिवर्स होता है, वो है प्रोबेबिलिटी, इसलिए वो हाँ प्रोबेबिलिटी जाइए 90% नहीं है वो कि तो ठीक नहीं। है, आप फिर अब इसका देखिए, आप इसका ऐसे ऐसे भी होते हैं, एक मिनट ये आप देख लीजिए। ये हिट ही नहीं होगा बिल्कुल। हाँ ये हुआ ही नहीं, ये देखिए हाँ तो आप। इसलिए हाँ वो प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज इसलिए लगाते हैं कि कितनी संभावना है, तो इसमें नहीं, संभावना कम इसलिए नहीं लोग हुआ ये ये। भी करते हैं, लोग इसको सेल करके बैठ जाते हैं, ये ऐसे भी ट्रेड्स होते हैं। हाँ सर बिल्कुल, मैं देखा सर वो लेके जाते हैं, पर वो अलग हाँ उनका कॉन्सेप्ट है, बट अरे इसमें सर वो अवॉय पल्स हमें परसेंटेज देता है कि कितनी संभावना है, वो संभावना को आप लेके पीछे वो चाहिए सर। पता नहीं वो क्या है, आप आइडिया ये नहीं। समझिए ना कि ओपन हाई जो है वो उसका हाई को जो क्रॉस कराने का या जो भी है, मतलब ओपन हाई टेक्निकल टर्म्स में तो सिंपल रेजिस्टेंस है, जो जो भी उसको बेच रहा है वो वहां पे स्टॉप लॉस लगा दे रहा है, छोड़ दे रहा है, करेक्ट, और तो बिल्कुल वो बिल्कुल एल्गोस जो है वो स्टॉप लॉस को हिट करके और उसको क्रॉस करके स्पाइक मारेंगे, या फिर अगर बड़ा ट्रेंड लगा है तो सब सबके जब स्टॉप लॉस कट देंगे तब उस साइड में डायरेक्शन आ जाएगा। स्टॉप लॉस हंट का ही है वो, स्टॉप लॉस हंट के लिए ही है, उनको मालूम हाँ है 450 हाँ हाई है, तो उसको हाई को ब्रेक और वो करेंगे मेरे स्टॉप पास, लॉस हिट हुआ तो उसके बाद वो में। ऑपोजिट साइड का ट्रेड वो जो सब हाँ लोग इसलिए लेते आपके हैं देखो तो येलो येलो ये भी आ गया, कॉन्ट्रा येलो भी ट्रेड आ है। गया, राइट हाँ है ना, हाँ उस वो अपना चीज के लिए बहुत अच्छा सेटअप टूल है।
के बेसिस पे मैं इसको ट्रेड डेली लेता हूँ और मैं इससे प्रॉफिटेबल हूँ, बट मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि सर थोड़ा एक वो फीचर मिल जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एज बन जाता है इस चीज का मेरे लिए। मुझे वो क्या प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं मुझे तो आइडिया नहीं है सर, मैं देखता हूँ अगर ठीक है ठीक किसी है से सर। पूछता हूँ अच्छा सर अभी आपने इसमें। सर कोई, आपने सर अभी एक ना वो खोला था इस ऑप्शंस का प्रीमियम, ऑप्शन चेंज खोली थी जिसमें बुलिश और बेयरिश लिखा रहा था प्रीमियम के साथ में, एक बार वो मुझे बता दीजिए। कौन सा हाँ सर, सर ये कहाँ पे है सर, फीचर कैसे ओपन करी, ऑप्शन चेन आपने कहाँ से खोला सेक्शन में, बीटा में आके। ये वाला ऑप्शन चेंज बीटा, और ये मिनट बाय मिनट वाला ये। तो सर इसमें ट्रेंड लिखा आ रहा है, वो ट्रेंड सर कहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा सर वो। हाँ ये तो ये कॉलम्स में देखिए आप, ये कॉलम एनेबल कर अच्छा लीजिए। कॉलम एक सेकंड सर, अच्छा सर ठीक है सर, ट्रेंड और बिल्डअप दोनों साइड करना पड़ेगा, कॉल साइड और पुट साइड के कॉलम्स। एक बार फिर से बोलेंगे। अच्छा इसमें, अच्छा ये सब दोनों साइड खोलना होगा, ठीक है सर। हाँ दोनों वीबैप भी साइड, आपने ओपन करा हाँ है, जो ठीक है सर, डाउनलोड। ये भी सर, ये भी सर काफी सही रहेगा सर, इसको मैं रिलेट करूंगा उससे। ओके ओके और सर सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये था कि एक स्ट्राइक बाय इंडिया चार्ट्स करके एक वेबसाइट है जिसका एक नया फीचर है, जिस वजह से वो भी एज मार रहे हैं मार्केट में, कि वो सेक्टर रोटेशन दिखाते हैं आपको एक मैप के थ्रू, जैसे एक अर्थ पे हवा चलती है और अभी ठंडी सर्दी या गर्मी है तो रोटेशन घूमती है, वैसे ही उनकी एरोज के थ्रू पीएसयू सेक्टर, बैंक निफ्टी, आईआईटी, इस टाइप से अलग अलग सेक्टर्स हैं, मैं आपको ग्रुप पे उसकी इमेज भी शेयर करूंगा, वैसे करके वो आरआरजी बोलते हैं, आइडिया देते हैं। आरआरजी आरआरजी राइट, तो उसमें आरआरजी क्या है, बोलते हैं वो उसको, आरआरजी। मूविंग लीडिंग लैगिंग समथिंग रिलेटेड वो बताते हैं, तो सर ओके उसमें सेक्टर रोटेशन टाइप से कुछ हमारे पास ऐसा कुछ फीचर आ सकता है क्या। और वो सर उनका एक चीज और कंप्लीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, कि वो निफ्टी 50 से उसे कंपेयर करते हैं जो भी सेक्टर उसका होता है, मतलब जिस भी सेक्टर, वो ओवरऑल ये सेक्टर जो निफ्टी 50 से कंपेयर करते कैश हैं। मार्केट का डेटा हो तो ये बेटर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्यूचर्स मार्केट में कई सेक्टर्स में सिर्फ एक एक दो दो स्टॉक्स हैं, तो इसमें वो कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैश मार्केट का डेटा हो तो फिर उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसमें। हमारे पास कैश डेटा तो है ही नहीं, ओनली फ्यूचर्स त्रिका एंड जी ऑप्शंस का वो डेटा। जो है ना रिलेटिव रोटेशन ग्राफ होता है, आरआरजी बोलते हैं उसको, वो आपको पैटर्न हाँ बताता है, पहले वो लोडिंग होता है, फिर वीकनेस आती है, वापस उस पर स्ट्रेंथ बिल्कुल आती है, उस टाइप का वो चार्ट रहता है, वो अलग है बिल्कुल उसका। बिल्कुल सर, ओके उनके में दिखा रहा है कि अब वो मार्केट में फार्मा का उसका उसका लीडिंग में जाने जा रहा है, और आपके पास भी आज आपने दिखाया कि आपके टॉप जो 18 है उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ अरे फार्मा के बेसिकली रिलेटेड हैं। बेसिकली ट्रेंड के हिसाब से है ना पूरा, जो जिस हाँ जिस बिल्कुल सेक्टर में ट्रेंड के ट्रेंड्स हिसाब से, आ रहे हैं वो हाँ दिखाता है, वो हाँ दिखा तो सकते हैं हम लोग, भी कंप्यूटर, लेकिन फ्यूचर्स के बेसिस पे होगा। हमारे यहाँ अगर करेंगे तो ये फॉर हाँ एग्जांपल नहीं सेक्टर आपका है ना समरी, सेक्टर समरी है एक, सेक्टर तो इसमें इश्यू क्या है, यहाँ पे देखिए दो दो स्टॉक्स, ये आप कभी सर कभी एक बार छूट गया, बताएंगे इसमें दोबारा एक स्टॉक बीटा थोड़ा में सा, सेक्टर इसमें एक समरी। स्टॉक, इसमें एक स्टॉक, ऐसा है तो ये प्रॉब्लम है। तो पूरे कैश मार्केट के लिए आप करेंगे तो ये रिटेल में भी बहुत होंगे, क्रूड में और स्टॉक्स रहेंगे, तो इसमें तो इजी हो जाता है। इसमें भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन फिर मेरे ख्याल से उतना मीनिंगफुल नहीं रहेगा मेरे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। अगर एटलीस्ट 10-10 स्टॉक्स हो तो एक एक सेक्टर में, तो फिर थोड़ा मीनिंगफुल हो जाता है। लेकिन ये 1-1 स्टॉक्स के लिए क्या देखेंगे, अगर ये एक स्टॉक में अगर अप ट्रेंड हो तो फिर क्या है, ये पूरा सेक्टर ऊपर है ऐसे दिखाएं, लेकिन वो तो बराबर नहीं है। तो कैश मार्केट के लिए अगर वैसा किया जाए तो वो बेटर हो, ये मैंने सोचा भी था जब मैंने ये सब्सक्रिप्शन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड किया, तो बहुत इजीली हम लोग ये सेक्टर वाइज भी कर सकते, तो लेकिन हाँ सर ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं निकल रहा है, मैंने ट्राई भी किया है। तो वो कैश मार्केट का डेटा तो ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है हमारे पास, तो वो अगर होगा तो फिर वो कर सकेंगे, प्रेजेंट तो कोई। सर, कैश मार्केट समझा नहीं सर, वो बेसिकली वो पोजीशन प्ले करते हैं सर, वो कि आप बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे वो आ रहा है, देन इसका पोजीशन देख के आप वहां पे एक एंट्री ले सकते हो। हाँ लेकिन वो वही वो एनालिसिस जो है सेक्टर्स, पूरे कैश मार्केट में पूरे के पूरे सेक्टर्स में कई स्टॉक्स मिलेंगे आप। ऐसा है कि ये जो अब नया क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस है, इसमें सिर्फ एक स्टॉक है फ्यूचर्स के, फ्यूचर्स मार्केट आपको यहाँ पे बहुत स्टॉक्स रहेंगे कैश मार्केट, तो आपको ट्रेंड्स निकालना और किस सेक्टर में ज्यादा ट्रेंड्स आ रहे हैं तो वो पता करना बहुत इजी हो जाता है। इसमें इसमें मीनिंगलेस रहेगा एक स्टॉक का ट्रेंड निकालना, वो बता रहा हूँ मैं। तो कैश मोमेंटम मार्केट में बेस्ड क्या है, होता है तो सही है, मोमेंटम बेस्ड होता है वो। हाँ मोमेंटम बेसिस में ही होता है,
बेटा वो बेसिस ये रिलेटिव भी है। स्ट्रेंथ का काउंट हाँ होता है तो इसमें। अगर ये कैश मार्केट का डेटा हम लें तो हम इजी कर सकते हैं, एंड ऑफ डे अगर करना है तो बहुत इजी कर सकते हैं। एक तो स्टॉक से नहीं होगा। हाँ सिर्फ स्टॉक्स स्टॉक्स का डेटा चाहिए उसके लिए, कैश मार्केट का डेटा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे नहीं कर सकते हैं उसके। एनीवे ठीक है, और दूसरा कोई क्वेश्चन? श्रीकांत जी, काफी टाइम पहले आपने वो ओपन आई वाला जब डिस्कस हुआ था अभी, तो मेरे थैंक को यू फिर सर। से वो याद आ गया हाँ जो हम काफी टाइम पहले भी आपसे डिस्कस किया था मैंने। उसमें ऐसा फीचर्स या मतलब ऐसा कुछ वो ऑप्शंस का, जो ऑप्शंस वाले ओपन आई वाले जो है उसमें, क्योंकि वो डेली का ये दिखाता है मतलब आज की डेट में क्या है, हिस्टोरिकल का भी हम लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा कोई मतलब फीचर जैसे ऐसे ऑप्शंस, ठीक है, मतलब जैसे मतलब मैं स्टॉक्स के लिए नहीं, प्राइमरीली मान लीजिए आप अगर वीकली और ये मंथली जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे, तो ऐसे ऑप्शंस मतलब जो मान लीजिए 7 या 10 स्ट्राइक्स ऐसा कुछ एटीएम, जो मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए मंथली, या कोई एक रेंज, उसके अंदर कभी भी कोई ओपन हाई बन गया कॉल इनपुट साइड में और वो कभी भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, उसको कैसे करके मतलब हम लोग एक अलग से अगर कुछ कर पाए, तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक बार ओपन आई बन गया और वो वैल्यू अभी तक ब्रेक नहीं हुई, जैसे यहाँ पे वो उस दिन ब्रेक हो गई, ठीक है, 450 वाला जैसे हम लोग देख रहे हैं, और ये इस एक्सपायरी का था, ये तो एक्सपायरी भी कंप्लीट हो गई। बट अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो बन गया एक बार ओपन आई और वो ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, उसको किसी तरीके से फिल्टर आउट कर सके, मतलब इसका रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मेरा मेरा सिंपल सा लॉजिक है, जैसे अगर ये मान लीजिए 14 अगस्त को आप एक्सपायरी डेट को चेंज करके 21 करिए, सपोज करिए यहाँ पे बैंक निफ्टी गई, तो इसमें देखिए उस दिन पुट्स के अंदर काफी सारे ओपन आई बने हैं जो ब्रेक नहीं हुए हैं, ठीक है, तो इवेंचुअली अगर मतलब इसके अंदर मतलब क्या है, अगर अगर आप देखेंगे 49,800 का पुट का 400 का ओपन आई बन गया, मतलब और 400 पॉइंट नीचे, मतलब 21 अगस्त के लिए कोई ना कोई तो ऐसा बड़ा सेलर है या कोई ना कोई तो ऐसा मतलब प्लेयर है जिसने बल्क क्वांटिटी में सेल किया होगा, तभी उसने ओपन आई बनाया है वहां पे पुट पे। सो 49,800 माइनस 400, दैट इज 49,400 इज गोइंग टू बी ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर 21st एक्सपायरी, ये मेरा सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर वो ब्रेक करता है, मतलब अगर मैं, क्योंकि मुझे वो वैल्यू पता चल गई, मुझे एक बार ये यहाँ से डेटा मिल गया, अगर वो ब्रेक करता है दैट मीन्स इट इज गोइंग टू क्रिएट अ परसिस्टिंग डाउन ट्रेंड, अगर वो सस्टेन होता है, और अदरवाइज आई कैन सेफली क्रिएट क्रेडिट स्प्रेड्स बिलो दैट स्ट्राइक्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक, मतलब ऐसा। तो ये डेटा पॉइंट को लेकर के, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेटा पॉइंट है, उसको कहीं से इस तरह की एक रिपोर्टिंग अगर हम लोग और कुछ बना पाए ना, तो मतलब पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा एक मतलब एटलीस्ट जो मैं करता हूँ, बट मुझे क्या होता है ना अभी वो जाकर के मैनुअली ये करना पड़ता है, फिर मैं वो मतलब ये करता हूँ तो थोड़ा वो रहता है। इसके ऊपर अगर आप कुछ देख पाए, मतलब आई कैन डिस्कस सेपरेटली एज वेल कभी इसके ऊपर अगर कुछ हो तो कैसे कर सकते हैं क्या नहीं, ठीक है, वही एट प्रेजेंट जो है पूरा काम हमारा शिफ्ट हो गया है, लाइव टूल्स ब्रोकर इंटीग्रेशन वो पूरा चल रहा है, तो हाँ। टाइम अवेलेबल नहीं है, टाइम इज द इश्यू, ओके ओके सारे डेवलपर्स बिजी हैं। तो लेकिन देखते हैं इसमें ये कुछ नेक्स्ट टाइम जब भी हम कुछ लेंगे टूल्स, नए टूल्स हाँ, बनाने के लिए, तो वो टाइम कुछ बट लगेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मैं क्यों आई मतलब ये गॉट बोल गॉट रहा द हूँ। पॉइंट, ये हाँ पहले भी हाँ डिस्कस कर चुके हैं हम। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेसिस पे मैंने आपके इन सबसे बहुत कुछ वैल्यू रियलाइज कर रहा हूँ मैं, बट इट टेक्स एफर्ट, तो वो आपके साथ बात होती रहती है, आपको पता ही है, तो बिकॉज ये टॉपिक ओपन आई वाला आया तो मुझे लगा कि मैं फिर से अपॉर्चुनिटी ले लेता हूँ वाला चीज। नहीं, आप ओपन आई किस तरीके से इसको ट्रेड करते हैं मुझे बताएंगे सर? देखिए वो जो आप ओपन आई ब्रेक करने वाला वो सब जो है ना ऑप्शन बाइंग वाला, वो मैं भी करता हूँ, उसके अंदर मेरे डिफरेंट रूल्स हैं, वो मैं यहाँ पे तो शायद नहीं डिस्कस करूंगा इस सर वेबिनार में, आपसे मैं ठीक पर्सनली है। बात कर सकता हूँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब श्रीकांत जी मेरी डिटेल्स पहले भी शायद चैनल में शेयर कर चुके हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जैसे अभी जो आपसे ऐसे एक रिज्यूमे, एग्जाम्पल मैं बता आपसे रहा, आप से बात करता हूँ फिर, ठीक है, है ना? अभी मीटिंग चल रहे थे। इसका जो मैं सेटअप जैसे भी बता रहा था, जैसे मैंने जो अभी सिंपल बोला ना, आप सोचिए कि 21 अगस्त की एक्सपायरी है, मुझे उसके अंदर कोई ट्रेड बैठाना है मान लीजिए, तो अगर 49,800 इसके अंदर देखिए ना जो लोवेस्ट पुट कौन सा बना है, 49,800 का पुट बना था उस दिन ओपन आई बन गया, तो 49,800 और उसको ओपन आई बना है 400, यानी कि 400 वैल्यू मतलब 49,800
से -400 और कर देंगे, वही तो पुट की मतलब फाइनल वैल्यू हो सकती है ना, मतलब अगर सब कुछ अगर एक्सपायरी उस जगह पे होती है तो तब तक उस सेलर को लॉस नहीं है जिसने भी 400 पे सेल किया है, यानी कि 49,400 इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर 21st अगस्त एक्सपायरी। तो मेरे पास में ट्रेड लेने के यहाँ पे दो तरीके, मैं जो भी मान लो जो स्ट्रेटेजी बैठा रहा हूँ, मान लीजिए स्ट्रेंगल स्ट्रेंगल या कुछ भी बेचना है तो मैं उस रेंज के हिसाब से बैठाने की कोशिश करूंगा, और दूसरा अगर मुझे एक ट्रेंड डिसाइड करना है उस एक्सपायरी के लिए, तो अगर 49,400 ब्रेक हो जाता है बाई एनी चांस, देन दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबली क्रिएट अ लेट्स से बिगर ट्रेंड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर वो सस्टेन होता है तो, मतलब क्योंकि इवेंचुअली उस सेलर, ये जो सेलर है उस एक्सपायरी के लिए, उसको यहाँ पे लॉस आ रहा है जिसने इतना बड़ा एक मतलब क्वांटिटी डंप किया होगा 400 पे, तभी तो वो ओपन आई बनाएगा, मतलब ओपन आई और ओपन लो ऐसे जल्दी जल्दी बिल्कुल से नहीं बन बिल्कुल जाता है ठीक ना, है, हाँ समझ तो गया। क्यों बन रहा है, उस डेटा को यूज करके क्या ट्रेड किया जा सकता है, वो मेरी थॉट प्रोसेस है। जो आप वो बता रहे थे वो अपोजिट साइड का, वो मैं भी करता हूँ, वो इंट्राडे करता हूँ और उसके अंदर और दूसरे लॉजिक्स होते हैं वो करता हूँ, अलग चीज है, बट दिस इज चलिए फॉर एक बार मतलब आपसे थोड़ी डिस्कस करूंगा पोजिशनल। मैं, ठीक हाँ कोई दिक्कत नहीं। है ठीक। आप तो पोजीशन का आ गए ना, मैं इंटरडे में, ठीक है एक बार आपसे मैं पर्सनली बात करना चाहूंगा, ग्रुप पे करना मैसेज आप। सर इसमें एक चीज हुई है सर कि अभी इंडिपेंडेंस डे का कुछ ऑफर चल रहा है हाँ अभी वो कल शायद कल हम लोग रिलीज कर देंगे ऑफर, सर। ऑफर ओके रहेगा इस इंडिपेंडेंस डे का रहेगा ऑफर, कल अनाउंस कर देंगे, ग्रुप चेक कर लीजिए या अनाउंसमेंट्स चैनल चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ऑफर उसमें। ओके और कोई टूल जो डिस्कस करना है, अभी एक 5-10 मिनट है मेरे पास, उसके बाद एकांत मुझे। सर, हाँ सर वो पोर्टफोलियो ट्रैकर को अभी तक आप लोगों ने अपडेट नहीं किया, मुझे बार बार सेंसिटिव भी करना पड़ता है, मैं आपको 1 साल हो गया कैमरे के, तो कुछ कौन सा सर कीजिए ना कौन सा उसके लिए। समझे, उसमें सर स्ट्राइक सिलेक्ट करने में वो टेबल आनी चाहिए वो नहीं आ रही कि मैं समझा नहीं, किस टूल में कौन से टूल में? अपने पोजिशनल के लिए पोर्टफोलियो ट्रैकर, अच्छा पोर्टफोलियो ट्रैकर, तो आप शायद निग्लेक्ट ही कर चुके हैं सर, उसमें कुछ भी नहीं किया सर आपने, आपने बहुत सारे टूल बना दिए और उसके अंदर आपने कुछ भी अपग्रेडेशन नहीं किया सर। सर मुझे एक डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, हाँ सर मैं हम लोग केवल ये, इसका क्योंकि नेक्स्ट वर्जन टेस्ट कर रहे हैं सर। मैं बहुत दिन से कम से मुझे लगता है 1 साल से ऊपर हो गया आपसे रिक्वेस्ट करके कि सर आप कुछ कीजिए, सेंसिबल ने स्टॉक है नहीं आप, स्टॉक मॉक ने नहीं सब मैं ने कर वही दिया सर, हम ही रह गए सर। सर 1 मिनट मैं वो बता रहा हूँ आपको, ये जो है आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं एक लिंक दूंगा, हमारा टेस्टिंग चल रहा है ये नए टूल का, तो वो एक बार चेक कर लीजिए, तो ऑलमोस्ट वो हम बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं उसको। हाँ अभी दिखा सकते हैं यहाँ पे इस स्ट्रेटजी वेबिनार में। बिल्डर यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा, वो तो टेस्ट यूआरएल होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अच्छा ठीक वो इश्यू रहेगा इसमें। है। कोई हाँ भी मतलब एकांत सर, जिनको कोई जो कोई मुझे क्या इंटरेस्टेड है इसे, मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, प्राइवेटली ग्रुप में नहीं, तो हाँ मैं लिंक दूंगा, आप टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या मुझे थोड़ा भी उसको। होती सेंसिबल भी खोलना पड़ जाता है इसी के लिए साथ में, क्योंकि तो हाँ हाँ राइट क्या फिर सर, इधर का उसमें उधर उधर से अपलोड सब। फीचर आ रहा है क्या भाई एनी चांस, मतलब वो कि नहीं हम अपनी अपलोड आज पोजीशंस ही, को। आज ही किसी और से बात कर रहा था मैं, अपलोड और डाउनलोड दोनों ऐड करने के लिए बता रहा हूँ मैं टीम को, तो एट प्रेजेंट तो नहीं है, टेस्टिंग के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जो भी अपग्रेड कर रहे हैं उसमें, क्योंकि हाँ ब्रोकर की पोजीशंस को मतलब यहाँ पे ला करके अपलोड कर लें, फिर इसमें हम लोग एडजस्ट कर लें अपना पोर्टफोलियो ट्रैकर में। हाँ राइट ठीक है ओके ओके वो करवा लेता हूँ मैं, बेटर ठीक है। श्रीकांत सर, कोई स्कैनर लाए ना, स्कैनर सॉरी स्क्रीनर, स्क्रीनर ये एक बन रहा है सर, नहीं इस, फ्यूचर्स हाँ सर, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए दोनों के लिए एक स्क्रीनर बन रहा है। नहीं ऐसे अपना ये स्कैनर बोल रहा हूँ वॉल्यूम का, उसके बाद में तुम्हारा प्राइस का अलर्ट ऐसा कुछ स्कैनर जो हम जैसे अभी ट्रेंड जो फटा अभी 5 मिनट के, अगर उसमें वॉल्यूम पता चल जाता हमको तो उसमें ट्रेंड ले सकता है कोई भी। हाँ अलर्ट्स तो नहीं है सर, वही तो हाँ तो वो स्कैनर डिस्कस। ऐसा लाइए जिसमें वीरेप हो, वॉल्यूम हो, दूसरे ओके दूसरे दुनिया भर के अपने टेक्निकल एनालिसिस जो लगा के अपना हाँ कस्टम स्कैनर बना सके, तो FNO स्टॉक कौन सा जा रहा ऊपर नीचे उससे तुरंत मालूम पड़ जाएगा ना, वो ठीक है सर, ओके ठीक स्कैनर एक बना दीजिए तो बहुत बहुत सारा हेल्प हो जाएगी। है, ठीक है सर, ओके श्रीकांत सर एक रिक्वेस्ट थी सर, ये या पीसी वाले में तो सर हाँ उसको ओपन करेंगे। हाँ मुझे पता है कि आप अभी बिजी हैं कैट जीनी वगैरह के उसमें, बट इसको एक नोट पे रखिएगा सर। सो सर अभी हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल नियर एटीएम स्ट्राइक फिक्स करते हैं ना, सपोज मार्केट गॉट ओपन एंड 24,050, तो 5 स्ट्राइक ये, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे ना मेरा मेरा एक एनालिसिस है सर कि हम लोग सेलेक्ट कर रखे हैं अभी ऑल ऑप्शन राइट। कैन बी सो इधर इधर रेडियो बटन है ना हमारा ऑल एंड ओटीएम एंड आईटीएम। हेलो या टेल मी लिसनिंग हाँ। सो व्हाट आई वाज सेइंग सर कि कैन बी डू दिस एटीएम फिक्स स्ट्राइक विथ ओटीएम एंड आईटीएम सेपरेटली एज वेल। हाउ एग्जैक्टली आई डिडंट अंडरस्टैंड. तो ये यहाँ पे फिक्स्ड बट विथ ओटीएम. सर अभी आप इसको ना आप ऑल स्ट्राइक कर दीजिए सर इधर रेडियो बटन लेफ्ट में जो है। नाउ वी कैन सेलेक्ट ओटीएम एंड आईटीएम राइट दिस दिस रेडियो या बटन। या तो अभी ओटीएम सेलेक्ट करिए देन इट्स सेइंग ऑल ओटीएम स्ट्राइक या करेक्ट. राइट। सिमिलर वे में इफ आई विल सेलेक्ट आईटीएम बटन देन इट विल से ऑल आईटीएम स्ट्राइक करेक्ट. या राइट। तो ये ऑल ओटीएम एंड ऑल आईटीएम बोल रहा है। आई वांट टू मतलब वी कैन गेट बेटर क्लियर पिक्चर विथ सिक्स ओटीएम एंड सिक्स आईटीएम नॉट ऑल दैट आई वांट। This, what happens is the issue here is when we say near ATM, यहाँ when we say near पे ATM, तो सिलेक्टेड स्ट्राइक करना पड़ेगा उनको जब उनको बेटर पिक्चर चाहिए। हाँ वो तो है, मगर ये नियर एटीएम में ये करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो से एटीएम चेंज हो जाता है ना, वो हाँ ठीक इश्यू है है. सर। सर हम फिक्स करेंगे ना हम फिक्स रखेंगे 24,000 से सिक्स सिक्स स्ट्राइक ओटीएम पुट एंड कॉल का एंड सिक्स स्ट्राइक से आईटीएम पुट एंड कॉल का। ओके हाँ ठीक है, ये इसको एनेबल कर सकता हूँ मैं, सेंड फिक्स्ड वाले को शायद एनेबल कर सकते हैं. फिर आप आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, एटीएम चेंज जब होगा तब आप इसको चेंज कर, चलेगा ठीक है. हाँ हाँ वो चलेगा सर। अभी मैं आपको थोड़ा अगर आप बाद में एनालिसिस भी बताऊंगा बहुत सही दिस दिस इज गिविंग द लिटिल प्रायर प्रिडिक्शन इट्स गिव्स द ओके पीसीआर सर, वाई चेंज लेट जो है ना। वी कैन डिस्कस दैट इन द प्रॉब्ली नेक्स्ट वेबिनार. एक बार ये कर देता हूँ मैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिए और फिर डिस्कस करेंगे फिर इसके बारे में, तो सब लोगों को आइडिया आ जाएगा थोड़ा. श्योर सर। अभी भी मैं ऑल स्ट्राइक पे थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ सर आपको अभी थोड़ा मुझे आइडिया ऑल सिर्फ 5 मिनट्स है, चलेगा? 5 मिनट्स हाँ में चलेगा डन सर। कर लूंगा. ऑल स्ट्राइक करिए बस क्विकली क्विकली सर। ओटीएम ठीक है। अभी आप टाइम टाइम को फिल्टर करिए सर 9:30 फर्स्ट कर लीजिए टाइम टाइम इधर जो नहीं हाँ ठीक है आप उधर से भी कर। अभी देखिए सर पीसीआर वाई चेंज क्या है 2.80 राइट। सर पीसीआर वाई चेंज PCR वॉच चेंज. आप हाँ सर आप स्क्रॉल अप कर लो सर बेटर रहेगा। स्क्रॉल अप करिए टॉप पे जाइए टॉप पे टाइम चलेगा. टॉप पे और टाइम को सॉर्ट करिए सर जैसे हम लोग एक्सेल में करते हैं ना। अच्छा ओके हाँ ओके हाँ हाँ अभी देखिए सर पीसीआर वाई चेन 9:21 पे कितना है 2.80 है करेक्ट। राइट करेक्ट. अब सर आईटीएम सेलेक्ट करिए ओटीएम की जगह आईटीएम करिए और सेम करिए सर तो टाइम को फिल्टर करिए हाँ 1.21 इट मीन्स ओटीएम पीसीआर चेंज इज लिटिल मैडम ग्रेटर आप देन समझ नहीं रहे हो. या करेक्ट. आईटीएम। इट मींस द ट्रेंड इज लिटिल बुलिश। ओके नाउ तो यू हैव टू सी द सर्कुलर अच्छे अकॉर्डिंग टू कहीं का तो चेक ना दिख रहे हो. अरे म्यूट कर सर लीजिए जो भी है, कोई और जो बात कर रहा है म्यूट कर लीजिए. सर सर समटाइम्स व्हाट यू विल सी ना सर अरे पीसीआर आप वाई इसको चेंज स्लो करिए. विल बी 200-300 समथिंग विल कम ओके इट्स ओके 3 मिनट्स ओनली ना सर। ओके सो दैट्स ओके व्हाई इफ यू विल मॉडल गो फॉर फास्टली फिफ्टीन सिलेक्ट मिनट्स करो जो. सो बहुत अच्छा आपको आइडिया मिल जाएगा सर। एंड ऑफकोर्स नाउ टाइम की बहुत मिल. टाइम को फिल्टर करिए सर। अजय भी जो ना फास्टिंग में कुछ तो एक सो तो इट्स सेइंग 3.34 राइट एट 9:30 सेम वे ओटीएम करिए सर पढ़ाले बहुत एंड टाइम को फिल्टर करिए वालों टू जो नदी था वेस्ट पढ़. पॉइंट 2.15 मीन्स आईटीएम इज ग्रेटर इट मीन्स ट्रेंड इज बियरिश। सो फास्टिंग ये अभी ऑल स्ट्राइक है। इफ आई विल गेट नियर बाई सेवन और एट स्ट्राइक ना तो मुझे बहुत सही वो आइडिया मिल जाएगा सर अभी तो। ठीक है नोटेड. ये मैं बात कर लेता हूँ कि ये कर बाकी सकते बिल हैं का हम, लेके एक सौ इसके लिए पंद्रह एनेबल करना है. बस खाली इनेबल करना है बस कौन है आजू ठीक बाजू है। जो है ये कर देंगे, ये छोटा काम. हाँ ठीक है सर ठीक है।
सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, गुड हाँ इवनिंग सर, बना लिया सर। एक्चुअली स्टॉक ऑप्शंस के लिए सर पहला मेरे तो एक वो सजेशन बता रहा चाहिए हूँ था सर, तुझे, या आप ले स्ट्रेंथ सकते हो भी एक क्वेरी के हिसाब से। की जस्ट सर मेरे को चाहिए एक था मिनट सर, ना, सर एक मिनट, किसी का माइक कोई ओपन है। डीबीसी बोल के कोई बीच में बात कर रहे हैं सर, उनको आप म्यूट कर हाँ पाएंगे? मैं म्यूट कर दिया है। हाँ राइट, बोलिए। हाँ तो सर एक्चुअली जैसा है ना सर, स्टॉक ऑप्शन के लिए सर मेरे को चाहिए सर जिस स्टॉक ऑप्शन में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब अनयूजुअल वॉल्यूम आ रहा है ठीक नेक्स्ट है, मंथ केस में, प्रेजेंट मंथ केस में तो आ रहा है, साथ ही साथ नेक्स्ट मंथ केस में भी कोई बाई कर रहा है, ओके okay. तो ये सर बहुत आसान हो जाता है मतलब ट्रैक करने के लिए कि बुलिश कौन सा स्टॉक है। वो शायद इस मंथ भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, लेकिन मैंने कई बार देखा है इस मंथ में भी है और नेक्स्ट मंथ में भी काफ़ी बाइंग हो रहा है उस स्टॉक ऑप्शन में। तो सर देखा हूँ मैं, कम से कम 8 to 10% मूव आ जाता है सर वो। तो कैसे स्टॉक्स आप फाइंड एक आउट काम करते हैं? करते हैं, एक बार वो जो ऑप्शन स्कैनर बन रहा है हमारा, उसमें आप शायद वो कंबाइंड हुआ है, अगर लगाएंगे तो पूरे एक्सपायरीज का वॉल्यूम आ जाएगा, तो उसमें से आप शायद कर सकेंगे अगर। तो एक बार वो आने के बाद देखिए, फिर वो पहले तो टेस्टिंग के लिए रहेगा, तो उसमें आप शायद आपका काम हो जाएगा उससे। वो देखेंगे, वो स्कैनर बस सर बन रहा मुझे है इतना जानना था कि कौन से स्टॉक ऑप्शन में वॉल्यूम अनयूजुअल आ रहा है। अनयूजुअल। ओके हाँ अनयूजुअल वॉल्यूम काइंड ऑफ, पहले सिर्फ 15 मतलब 100 लॉट 150 लॉट होते थे, सडनली वो मतलब 1000 लॉट पे चले गया इस एक्सपायरी में भी और नेक्स्ट एक्सपायरी में भी, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का, बाइंग हो रहा है। मैंने ऐसा कई बार देखा है सर, मतलब मिलता बहुत कम है, मतलब साल में 2-3 ट्रेड ही मिलते हैं इसमें, मैंने कई बार देखा है, बट वो ऑलमोस्ट 10% क्रैक हो जाता है सर विद इन एक्सपायरी। तो देखिए सर अगर इसमें कुछ हो सकता है तो स्टॉक ऑप्शन में आपको अच्छा वाला मिल जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। ओके हेलो हाँ सर, बोलिए। सर एक क्वेश्चन सीपीआर का था, फ्यूचर्स चार्ट के बारे में। सर इसमें जैसे गैप डाउन होता है उसके बाद अपने को फर्स्ट और ब्रेकआउट का वेट करना होता है या तुरंत ट्रेंड चेंज को ले लेना होता है सर? जैसे अभी गैप्स तो चल रहे, तो आफ्टर नहीं, ये गैप विदाउट डाउन फर्स्ट विदाउट मैंने और जो स्ट्रेटेजी बताया था उस, वो तो अगर 1 आवर का हाई ब्रेक होता है उसी के बाद ट्रेंड ट्रेंड चेंज चेंज होता होता है। इवन इफ द गैप इज लाइक 200 300 400 लाइक दिस या लास्ट गैप। वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज दैट इज द, बिकॉज वैसा आप चेंज करेंगे तो फिर वो बहुत जगह इश्यू आ जाएगा। आप देखिए, आप अगर आपको लगता है कि कुछ गैप अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपको उसके हिसाब से चेंज करना हो तो फिर वो अलग इश्यू है। लेकिन मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है फर्स्ट आवर का हाई ब्रेक, जब तक नहीं होता है तब तक कुछ क्लियर नहीं होता है एक्चुअली। थैंक यू। ओके राइट, फर्स्ट आवर का हाई ब्रेक होना चाहिए। हाँ फर्स्ट आवर का हाई ब्रेक। अच्छा, और नेक्स्ट डे का हाई, नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट, डे का हाई भी देखना पड़ेगा। नहीं ये ट्रेंड के लिए मैंने पिछले वेबिनार में शायद, या उसके पहले वे के वेबिनार में बताया था कि ये जो पिछले दिन का और आज का ये जो सीपीआर होता है वो उसके ऊपर ब्रेक होना है और फिर फर्स्ट आवर का हाई भी ब्रेक होना है, तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, नीचे से ऊपर हो जाएगा। ओके हाँ तो ये मेरे ख्याल से, ये तो मेरे ख्याल से वैसे भी यहाँ पे ब्रेक हो गया था है। वो मेरे ख्याल ये फ्यूचर्स ही है। ये जो है ये पिछले दिन का है सीपीआर, पिछले दिन का सीपीआर और आज का सीपीआर, ये इस दिन का सीपीआर, ये दोनों के ऊपर ओपन हुआ है और 1 आवर का हाई जो है यहाँ पे है। एक मिनट, यहाँ पे मैं वो डाल देता हूँ। 1 आवर का हाई जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे बुलिश हो गया है क्योंकि 1 आवर का हाई ब्रेक हो चुका है। 1 2 3 4 15 मिनट का चार्ट है, तो ये 1 आवर का रेंज है, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पे बुलिश हो गया, तो अभी भी बुलिश लास्ट चल रहा है यहाँ पे। अब मतलब ये लास्ट कैंडल में भी अगर ब्रेक होता है तो उसको भी काउंट करेंगे लास्ट? लास्ट वाला नहीं, लेकिन ये तो लास्ट के पहले का था, तो शायद ये मोस्टली लेना पड़ेगा, ये तो रूल्स के हिसाब से तो हो गया है। अब ये यहाँ से बुलिश ही है मतलब वन यहाँ। आवर का हाई दिन में कभी भी ब्रेक करे तो चले। हाँ 1 आवर का हाई जो है वो कभी भी ब्रेक करे। बहुत लोग, मेरे ख्याल से ये एक लेकिन आर्ग्यूमेंट इसमें आया था, स्टॉप लॉस ये कैसे लेना है फिर? इसमें सॉरी स्टॉप लॉस कैसे लेना? मान नहीं, लो दूसरे ये दिन जो नीचे। है, ये जो है
लंबे पोजिशनल ट्रेड के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं है हाँ ये, तो समझ यहाँ गया पे मैं। हाँ, तो ये इसका इसका स्टॉप लॉस इस दिन का सीपीआर और पिछले दिन का सीपीआर, उससे सबसे नीचे वाला जो हो इसके नीचे आता है, इस हाँ लाइन के नीचे आता है। क्योंकि मैं तो स्प्रेड बनाता हूँ या तो फ्यूचर्स ऑप्शन को हेज करता हाँ तो फिर इसके नीचे आप मिनिमम यहाँ पे कुछ, अगर क्रेडिट पुट क्रेडिट स्प्रेड होगा तो इसके नीचे यहाँ पे रहेगा ट्वेंटी हूँ, फोर निकलना है। थाउजेंड जो भी स्ट्राइक है इसके नीचे वाला, यानी कि 24,000 या 24,100 तो बहुत क्लोज होता है, उसके नीचे थोड़ा नीचे 24,000 और उसके नीचे 24,000 पुट स्प्रेड वो आप बना सकते हैं। अच्छा है, यहाँ पे देखिए इस दिन के नीचे ट्रेड हुआ है, ये इस दिन के 1 आवर के भी नीचे गया है यहाँ पे, लेकिन इस दिन और पिछले दिन का जो सीपीआर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे क्लोज हो तो ही फिर ट्रेंड चेंज होता है, यहाँ पे क्लोज हुआ नहीं तो अभी भी बुलिश है, यहाँ से बुलिश ही है ये आपका ऐसा। मतलब पिछले दिन का सीपीआर ब्रेक करके तो निकल जाना। हाँ पिछले दिन का आज का दोनों ब्रेक होना चाहिए, अभी इस दिन के लिए ये दो भी है, इस दिन के लिए दोनों दोनों पीस सीपीआर देख लीजिए, और 1 आवर का उस करंट डे का, 1 आवर का और पिछले दिन और आज का सीपीआर, राइट सर। अंकित सर जी, अगर आप अभी एक अगले दिन एग्जांपल एक बार मूवी डील करेंगे, सॉरी, आप और एक एग्जांपल दिखाएंगे सर मेरे को थोड़ा, मतलब हाँ और यही। हाँ एक, वही सर, और एक एग्जांपल अच्छा होगा। थैंक यू। हाँ ये तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, आप एक दो वेबिनार्स पहले का देख लीजिए, ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था एक्चुअली। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ना ये बुलिश जो रिकॉर्डिंग हुआ है है, सर इसका? हाँ रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल, ओके सर। हाँ इसका इसका आप देखिए, ये लाइंस में थोड़े ब्राइट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर पता नहीं दिख रहा है या नहीं, ये मैं तो ये अब यहाँ पे जो है इस दिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो ये पिछले दिन का सीपीआर है, तीनों लाइंस यहीं पे है और ये करंट डे का है, तो इसके और इसके ऊपर ही ओपन हुआ है, ये 1, 2, 3, 4 1 आवर का यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे बुलिश नेक्स्ट डे ये और ये इसके नीचे ही बेरिश है, ये दिन पिछला दिन ये है तो इसके नीचे बेरिश है, इस दिन इसके नीचे बेरिश, इस दिन के लिए इसके नीचे क्लोज होना चाहिए और 1 आवर का कैंडल, 1 आवर का रेंज भी ब्रेक होना चाहिए, हुआ नहीं, इस दिन 1, 2 इसके नीचे, इस दिन ये और ये इसके नीचे, ये ऑलरेडी इसके नीचे ही है, 1, 2, 3, 4 ये जब ब्रेक हुआ यहाँ पे बेरिश, यहाँ पे डाउन मूव चालू, यहाँ पे तो ये इसके ऊपर है, इस दिन सर इसके ये ऊपर, 1, 2, 3, 4 कैसे डिसाइड करते हैं सर? कौन व्हाट सा आप बोलते हैं ना, ये 1, 2, 3 उसके नीचे बेरिश, वो क्या है? ये आवरली आवरली है वो, 4 कैंडल्स और अवरली 15 मिनट्स। ये हाँ पंद्रह ओके मिनट सर, का, पंद्रह क्या है मिनट सर? का चार्ट है, तो 4 कैंडल्स देख रहा हूँ, तो 1 आवर का रेंज, 1 आवर का रेंज, तो यहाँ पे इसके ऊपर इस दिन इसके ऊपर है, इस दिन इसके ऊपर है, इस दिन इसके ऊपर है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्लियर ब्रेक नहीं था, यहाँ पे ब्रेक नहीं था, इसके ऊपर ब्रेक हुआ, इस दिन का सीपीआर पिछले दिन का सीपीआर दोनों के ऊपर है और 1 आवर का रेंज ब्रेक है, तो यहाँ पे बुलिश, और पिछला और भी पीछे देखेंगे थोड़ा कंफ्यूजिंग कहीं अगर हो, यहाँ पे क्लियर कट है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे 1, 2 इसके नीचे, साइडवेज में क्या होता है? साइडवेज आता है सर क्या होता है सर आप सर? थोड़ा स्क्रीन मैक्सिमाइज करेंगे सर तो अच्छा रहेगा। नहीं मतलब सर चैट चैट का बात, हाँ ये भी बढ़िया है, चैट भी थोड़ा मैक्सिमाइज करने से सारा कैप्चर देख पाएंगे। ये साइडवेज में यहाँ पे देखते हैं, साइडवेज में यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से 1, 2, 1, 2, 3, 4 इसके रेंज के ही, इसके नीचे अगर ब्रेक होगा तो ही फिर चेंज, ट्रेंड चेंज हुआ नहीं, यहाँ पे 1, 2 ये दोनों है, दोनों के इसके नीचे, हाँ यहाँ पे हो गया जी 1, 2, 3, 4 यहाँ पे एक्चुअली बेरिश, ये थोड़ा सिग्नल अपोजिट हो गया, फिर यहाँ पे बुलिश हो गया, यहाँ पे गलत सिग्नल आया था, होता है ये तो होता है, ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए, और एक्चुअल ट्रेंड चेंज जो हुआ फिर से पिछले दिन का और इस दिन का,
1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे कहीं एक्चुअली ट्रेंड चेंज हुआ और यहाँ पे फिर से ट्रेंड चेंज हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा इश्यू था। होता है इश्यू, तो ऐसे होता है, लेकिन बड़े बड़े ट्रेड्स आप पकड़ सकते हैं इसमें, बड़े लंबे इसमें मूव भी ट्रेड्स, तो बड़े बड़े मिलते होंगे ना, ये तीन मूव तीन तीन बजे। बड़े मिलते हैं, लेकिन आपको ऐसे भी ऐसा भी आएगा, साइडवेज भी आएगा, ऐसा नहीं है कि एस्केप हो जाएंगे, लेकिन आएगा, लेकिन बड़े आप मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लोज आया था, यहाँ पे बहुत क्लोज आया था, मिला नहीं, इसके नीचे क्लोज नहीं, इसके नीचे क्लोज होता है तो ये फिर आएगा। इसमें से 6 ट्रेड अच्छे पड़ जाए तो भी अच्छा होगा। हाँ नहीं, आपको बड़े लंबे ट्रेड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, ये भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ दिस इज वेरी ट्रिकी। पे ये सेकेंड डे का यहाँ पे है, यहाँ पे ये और ये है, तो इस दिन 1 आवर के रेंज के नीचे नहीं क्लोज हुआ, यहाँ पे हो गया ये 1 आवर, यहाँ पे बेरिश, यहाँ पे बेरिश है, फिर ये और ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बुलिश, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे बुलिश, और ये काफी लंबा चला, ये भी काफी लंबा चला, इसका आपको थोड़ा लेट आया था, यहाँ पे आया क्योंकि 1, 2 इस दिन यहाँ पे नहीं आया क्योंकि सेकेंड डे यहाँ पे था, बहुत बड़ा मूव नीचे था, तो 1, 2 ये सेकेंड डे है, पिछला दिन है, ये करंट डे है, तो इसके ऊपर का यहाँ पे बुलिश। नेरो सीपीआर इज वेरी गुड देन वाइडर ना। हाँ वाइडर मतलब साइडवेज, वाइडर अगर हाँ हो तो साइडवेज रहेगा मोस्टली, उसके एक्सेप्शन भी होते हैं, इस दिन तो सीधा नीचे था, लेकिन जनरली जितना क्लोज रहेगा उतना ट्रेंडिंग मूव रहेगा, वाइडर होगा तो जनरली साइडवेज, तो लेकिन ठीक है वो डिपेंड करता है, कभी कभी ट्रेंडिंग मूव भी आ सकता है, ये अच्छा खासा वाइड ही था, अब कितना वाइड कितने पॉइंट्स का वो तो पता नहीं, लेकिन सीपीआर के लिए एक्चुअली यूट्यूब पे मेरे ख्याल से उसका उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो बहुत के बहुत अच्छे वीडियोस हैं सीपीआर के, वो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, तो उनका एग्जैक्ट गोमती गोमती शंकर है शायद मेरे ख्याल से नाम उनका, हाँ हाँ गोमती शंकर है। हाँ तो उनके वो बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया है, क्या नाम है? और पिवट बॉस जो बुक भी है एक्चुअली फ्रैंकलिन ओकोवा ओचोआ या जो भी है उनका, सीक्रेट्स ऑफ अ पिवट बॉस ऐसा कुछ नाम है बुक का, उसमें बहुत स्ट्रैटेजीज दिए हुए हैं सीपीआर, तो बहुत बहुत मेथड्स है ट्रेड करने के लिए, ये छोटा सा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो सर मुझे अभी निकलना है तो मैं मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा, तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने अगर आपको आंसर नहीं किया है, रिप्लाई नहीं किया है, चैट में भी बहुत थे, तो मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज भेज दीजिए, मैं क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। अब यहाँ पे ये रुकते हैं, मैं स्टॉप कर